फर्स्ट क्लास एक नंबर। तो चलिए भाई शुरू करते हैं अपनी क्लास। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास। तो उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि वॉइस प्रॉपर है कि नहीं है, और देखिए भाई वॉइस कहाँ गई, वॉइस है कि नहीं है, लेट मी चेक। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो देखिए अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है, और अगर आप ऐप पे देख रहे हैं तो आपका ही बहुत स्वागत है। तो ये जो PDF आपकी रहेगी ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, आपको मिल जाएगी, और ऐप वाले जो हैं उनको ऐप पे मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब इस क्लास में क्या करने वाले हैं हम लोग, जो आपका ALP का एग्जाम हुआ था 18 में जो वैकेंसी आपकी आई थी, 19 में आपका इसका जो टेक्निकल पार्ट 2 यानी कि जिसमें सब क्वालिफाई करना था आपको, उसका पूरा मैं सोल्यूशन कराने वाला हूँ। क्योंकि ये दो शिफ्ट में पेपर आपका हुआ था, दो शिफ्ट ही बस थे आपके इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के, तो इसलिए वो पूरा हम कवर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक बात और है, जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ऑलमोस्ट इंग्लिश में ही हैं, वो हिंदी में नहीं हो पाए हैं, ये अकेला मैं ही हूँ, वैकेंसीज लगातार डेट आ गई है, दिक्कत ही है। तो इसलिए अगर जो हिंदी वाले हैं उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, स्टार्टिंग में ही आपसे बोल देता हूँ ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। आप देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में आएगा, आएगा ऐसा नहीं आएगा, आपको समझ में अच्छे से थोड़ा बहुत आएगा, एक बार देख लेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। और इस वीडियो का एक मकसद और भी है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स वैकेंसी आती हैं, ठीक है, वैकेंसी आती हैं, आपको उनको फिल करना है और आपको अच्छे से करना है। तो टोटल आपके 75 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 27 नंबर क्वालिफाई आपका होता है, 28 मान चलिए, मैं 30 लेके चलता हूँ, तो 75 में से आपको 30 नंबर क्वालिफाई बस करना होता है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। आपका पार्ट वन जो पार्ट, उसमें आपका नॉन टेक वाला पार्ट आता है वो आपका ऐड होता है, उसमें फिर इसका जो आता है वो बात करेंगे। ठीक है, तो टोटल 150 क्वेश्चन है, पूरे कवर करेंगे, प्रयास ये करेंगे आपको हर एक क्वेश्चन समझाया जाए। अगर इनकेस थोड़ा फास्ट होता है तो उसके लिए मैं वही चाहता हूँ कि भाई काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है तो फटाफट चीज़ों करना पड़ेगा तभी ये हो पाएगा, एक सवा घंटे में तो हो नहीं पाएगा ये। ठीक है, बाकी लाइव जानते हैं आप लोग कैसे क्या चीज़ें होती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपका जो असिस्टेंट लोकोपाल की जो वैकेंसी आपकी अनाउंस होती है, कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अलाउ है ही नहीं अलाउ है, तो थोड़ा मैं बता दूं फिर से आपको, दोबारा बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई कौन से वीडियो आप देख रहे हैं, कौन से नहीं देख रहे हैं, कौन जान रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल सा, देखिए आप 3 ईयर डिप्लोमा अगर आपका है तो भी, और आपका अगर डिग्री है तो भी आपका अलाउ करते हैं आपको एज पर द जो आपका आया था वैकेंसी उसके हिसाब से, और इस बार भी वही रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एंड रेडियो टीवी में आपको फिल करना पड़ेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर वाले होते हैं इसमें फिल करते हैं आपका। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आपका पार्ट ए पार्ट बी आपका है तो 90% आपका होता है, और आपका पार्ट बी जो रहेगा वो आपका ये रहा, ये सिर्फ 35% रहता है, यानी कि आप मान चलिए कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, दैट्स इट। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या, ये बेसिक चीजें हैं ताकि आपको पता रहे कि हाँ भाई वैकेंसी अगर आई आपकी नई वाली तो वहां पे आप इसमें एलिजिबल रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो ये आपका शिफ्ट वाइज था, आपका फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट आपका, तो ये आपके कुछ सब्जेक्ट्स थे, मैंने आपसे कहा था कि स्मार्टली आपको वर्क करना है, और जो भी आपके टॉपिक्स हैं उसको अगर आप देखेंगे तो बहुत आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हैं सिर्फ 2-3 टॉपिक पढ़ के ही। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, हमको सब पढ़ना है, सब करना है, सब बेस्ट चीज करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपको भाई कि सिलेबस क्या था आपका भाई इलेक्ट्रॉनिक का, पूरा ये सिलेबस आपका दिया हुआ है, सब बता रखा है मैंने। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। तो ये क्वेश्चन आपका स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 आपका, बताइए भाई आंसर क्या होगा इसका, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो फटाफट से आप आंसर कीजिएगा इसको और इसको आंसर दीजिएगा, बताओ भाई क्या होगा। थोड़ा फास्ट रखेंगे ना, जैसे मान लीजिए कि अब ऑनलाइन जो है भाई कम से कम उनको भी पता मिलना चाहिए ना, नहीं पता लगा मैं फास्ट ही फास्ट करता रहूंगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए भाई कैसे होगा बताओ आंसर आपका। ये बोल रहे हैं भाई जनरल पेपर का जो मेमोरी होता है आपके 8051 में, उसमें आपका मेमोरी होता कितना है, बताएं भाई। क्या 180 चलता है क्या, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, क्या हो गया, दिक्कत आ गई क्या कुछ?
चलिए बहुत बढ़िया, आपका एकदम सही आंसर है। क्या बोलेंगे आप भाई, 128 आपका होता है बाइट, आपका आंसर होता है किसमें, आपका 8051 में। याद रखिए 8051 है, इसमें आपका जो जनरल पब्लिक मेमोरी आपकी होती है कितनी होती है, 128 बाइट आपकी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये आपका, ए बी सी और डी। क्या बोल रहे हैं आपसे ये, एन एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक सर्किट। आपका जो एम्पलीफायर होता है, आपने पढ़ रखा होगा बहुत सारे आपके एम्पलीफायर्स होते हैं, एज यू नो आपका फीडबैक एम्पलीफायर होता है आपका, इसमें आपका फीडबैक में दो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है आपका। मल्टीसिज एम्पलीफायर होता है, इसमें आपका आरसी होता है आपका, डायरेक्ट कपल्ड होता है, ट्रांसफार्मर कपल्ड होता है आपका, और फीडबैक में भी आपके बहुत सारे होते हैं, चार होते हैं मेन आपके। ठीक है, आपका करंट एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर, ट्रांस रेजिस्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस, फिर उसके बाद आप इसमें क्या करते हैं, संट संट सीरीज संट फॉर्म में आप चीजें पढ़ते हैं। तो वही आपसे बोल रहे हैं कि अगर आपका फीडबैक एम्पलीफायर रहेगा तो उसमें आपका जो आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों आपका, तो आपका आता है ए एफ इक्वल टू वन अपॉन में, मतलब ए अपॉन में वन प्लस ए एम हो जाता है। क्या होता है आपका, ए एफ इक्वल टू ए अपॉन में वन प्लस ए एम आप ये बोल देते हैं, या आपका बीटा होता है मोस्टली आप देखेंगे तो क्या होता है आपका, ये बीटा होता है ए अपॉन में वन प्लस आपका ए बीटा होता है। यहां पर गेन आपका रिड्यूस होता है, गेन आपका इंक्रीज नहीं होता है, रिड्यूस होता है आपका, बैंडविथ इंक्रीज होता है आपका। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपकी है। ठीक है, क्लियर दोस्त। तो गेन क्यों रिड्यूस होता है आप देख पा रहे हैं, तो गेन आपका यहाँ पे रिड्यूस होता है। तो बहुत सारी बातें हैं, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं दोस्त आपका, क्या बोल रहे हैं आपसे ये, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, आपसे पूछ रहे हैं भैया कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बताओ भाई क्या होता है एलईडी फुल फॉर्म। क्लियर है, चलो भाई फटाओ फटाफट, आपका होता है लाइट एमिटिंग डायोड। क्या करता है ये आपका जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बढ़ता है, इसमें चेंज किसमें आपका, लाइट में करता है आपका। तो लाइट एमिटिंग डायोड का ये होता है फॉरवर्ड बायस में काम करता है, तो आपका किसमें करता है, फॉरवर्ड बायस में करता है। ठीक है, आ जाओ भाई 4 पे आ जाओ, क्या बोल रहे हैं आपसे ये, ऑप्टिकल फाइबर इज सिलेंड्रिकल डायलेक्ट्रिक वेवगाइड दैट ट्रांसमिट। आपका जो ऑप्टिकल फाइबर होता है जो आपका सिलेंड्रिकल वेवगाइड में होता है, सिलेंड्रिकल समझ रहे हैं आप, यानी कि आपका जो शेप होता है कुछ इस प्रकार से आपका होता है, बेलनाकार होता है, तो यहां से आपकी रे पास होती है ना ऐसे आपका, इसमें आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपका काम आता है किसमें, आपके ऑप्टिकल फाइबर में। तो यहां पे आप कॉमन सेंस लगा के भी आंसर कर सकते हैं, बताओ भाई बेस्ट आंसर कौन सा होगा इसमें आपका, हो जाएगा लाइट। लाइट क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, लाइट यहाँ पे लाइट ट्रेवल करती है ना आपके ऑप्टिकल फाइबर में, और ऑप्टिकल फाइबर स्पीड सबसे बेहतरीन होती है, बेस्ट होती है। ठीक है, चलो आ जाओ भाई 5 पे आ जाइए आप, विच एमंग द फॉलोइंग यूज फॉर द रिसीवर इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, बताओ भाई इनमें से कौन सा एज अ रिसीवर काम करता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको जस्ट क्वालिफाई करना होता है, ये नहीं कि इसमें बहुत अच्छे से, आपका नॉन टेक मजबूत होना चाहिए, टेक्निकल आपका, बस मैं दिखा रहा हूं कि आप आराम से 30-35 नंबर आराम से ला सकते हैं अगर आपने प्रॉपरली तैयारी कर रखी है तो। अब ये आपसे क्या बोल रहे हैं कि भाई रिसीवर साइड में क्या होगा, भाई देखो रिसीवर मतलब क्या हुआ कि भाई आपका ट्रांसमिट होगा। अब आप खुद सोचो कि आपका ये ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है, ये आपका हो गया ऑप्टिकल फाइबर, ये आपका मान लो, ठीक है, ऐसे आपने यहां पर ऐसे कर रखा है, यहां से आप ट्रांसमिट करेंगे, यहां से आप रिसीव करेंगे। अब जो ट्रांसमीटर होगा तो जाहिर सी बात है यहां पे आप क्या चाहेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये जो आपका वॉइस है आप खुद सोचो कि कैसे ये ट्रांसमिट होगा ऑप्टिकल फाइबर से, क्योंकि आपको पता है कि ऑप्टिकल फाइबर जो आपका है उसमें जो आपका क्या बोलते हैं उसको, जो भी आपका वेव है वो आपका लाइट रहेगा, यानी इसके अंदर से लाइट ही जाने वाली है। तो इससे पहले मुझे कुछ काम करना पड़ेगा ना, यानी कि मुझे अपने वॉइस को, जो मेरी आवाज है इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइट में बदलना पड़ेगा। अब लाइट में बदलना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है लाइट में बदलने के लिए क्या करेंगे आप लोग, लाइट में बदलने के लिए क्या करेंगे अपन लोग, हम लोग करेंगे भाई कि आपका लगेगा एलईडी, उससे पहले आपका लगेगा ट्रांसड्यूसर। जाहिर सी बात है भाई ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, आपके वॉइस को बदलेगा इलेक्ट्रिकल में, और एलईडी जो होगा या आपका लेजर जो होगा, ये दोनों आपके जो होते हैं एलईडी और लेजर, ये करते हैं दोस्त आपका, ये उस आपके जैसे मैंने बोला, ठीक है, हेलो कैसे हो, तो ये बनेगा इलेक्ट्रिकल में, फिर इलेक्ट्रिकल जाएगा एलईडी में, एलईडी क्या करेगा इलेक्ट्रिकल को बदलेगा लाइट में। तो ट्रांसमीटर साइड में एलईडी और लेजर डायोड होता है। तो आप खुद सोचो रिसीवर में क्या होना चाहिए, रिसीवर में आपका जो क्या करने, आपका जो क्या कहते हैं लाइट एनर्जी है, आपकी जो प्रकाश ऊर्जा है उसको बदले किसमें, आपका वैद्युत ऊर्जा में, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदले आपका। तो यहां पर दो बातें हैं, फोटो ट्रांजिस्टर और एलडीआर। एलडीआर क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, इसका फुल फॉर्म होता है, हो सकता है आपसे पूछ लिए। तो देखो एलईडी और लेजर तो गया पहले ही, ये तो है नहीं पिक्चर में, बचा क्या आपका फोटो ट्रांजिस्टर और आपका एलडीआर। क्या ये बात क्लियर है दोस्त,
तो फोटो ट्रांजिस्टर आपका जो नाम है, फोटो समझते हैं आप, फोटो का मतलब होता है कि भाई जब भी फोटो आएगा तो बाय डिफॉल्ट अंदर क्या होता है दोस्त, कि वो किससे मतलब रखता है, आपकी सनलाइट से, जो सन की लाइट आ रही है, सूर्य किरणें जो आ रही हैं उससे मतलब होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो डायोड, फोटो ट्रांजिस्टर जितने भी आपके हैं। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, फोटो ट्रांजिस्टर। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन को डिकोड करना है, यानी ऑप्टिकल फाइबर में यही सब क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे बेसिक बेसिक से। अब उसमें आपका कोर क्लैडिंग होता है आपके ऑप्टिकल फाइबर में, भाई ऑप्टिकल फाइबर में आपका जो प्रॉपर्टी होती है कि भाई इसमें आपका TIR होना चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए, और आपने ये साइंस में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है मेरे हिसाब से। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहां पे जो डेंसर मीडियम से रेयर में जाना चाहिए, सघन माध्यम से विरल में जाएगा तो ही आपका TIR होगा, और आपका जो क्रांतिक कोण होता है, क्रिटिकल एंगल जो आपका होता है, उससे ज्यादा होना चाहिए आपके इंसिडेंट एंगल का वैल्यू। बोलो भाई हाँ है ना, कई बात क्लियर है। तो बहुत सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दी हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप आराम से कर पाएंगे। आ जाओ भैया सिक्स पे आ जाओ फटाफट। अब एक्चुअली थोड़ा सा स्पीड भी रखनी है और आपको एक्सप्लेन भी करना है, ये बड़ी समस्या हो जाती है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। DA कन्वर्टर इज अ पार्ट ऑफ, आपका DA जो होता है क्या होता है आपका डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर आपका होता है। तो ओडोमीटर क्या होता है बताओ भाई, आपका जो ओडोमीटर है करता क्या है, ये डिस्टेंस मेजर करता है। कहाँ देखा है आपने इसको, अगर आपके पास कार या बाइक होगी तो आपको पता होगा कि बाइक में स्पीडोमीटर होता है और साथ में आपका एक होता है ना जिसमें आपका डिस्टेंस या दूरी मापता है, तो आपका ये ओडोमीटर हो गया। एनालॉग आपका हो गया, एनालॉग मीटर में क्या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं मेरे भाई, एनालॉग है वो एनालॉग को ही मेजर करेगा। पैनल बोर्ड मीटर आपका, तो आंसर क्या होगा यहां से आपका, बेस्ट होगा आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो इस प्रकार से अगर आप तीन ऑप्शन को गलत कर देंगे तो आपका जो लास्ट वाला ऑप्शन बचेगा वो सही हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप करते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई सात पे आ जाओ, बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं आपसे जनाब, मोबाइल फोन और सेलफोन जो होते हैं उसमें क्या होता है, ट्रांसमीटर माइक्रोफोन वॉकी टॉकी कुछ भी, वॉकी टॉकी होता है क्या, ट्रांसमीटर रिसीवर एंड ट्रांसमीटर स्पीकर। देखो स्पीकर भी होता है इसमें कोई दो राय नहीं है, माइक्रोफोन भी होता है इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा आप बताओ, खुद सोचो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। ये आपने पढ़ रखा ना रीजनिंग, आपका रीजनिंग जो नहीं होता, रीजनिंग जिसमें क्या होता है आपका, देखते हैं भैया क्या कि इसके साथ क्या मैच करेगा, तो भैया ट्रांसमीटर और रिसीवर आपका बेस्ट रहेगा ना। बोलो भैया हाँ है ना, आपका जो ट्रांसमीटर रहेगा और जो आपका रिसीवर रहेगा आपका वो बेस्ट रहेगा ना, एक बात क्या बताओ भाई। तो आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या करना होता है, आपको चूज करना होता है। चलिए आगे बढ़े, बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं, आठ की ओर आते हैं दोस्त। क्या बोल रहे हैं आपसे, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल, इनमें से कौन सा फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल होगा। मैंने आपसे क्या बोला, जब भी फोटो शब्द आएगा तो आपको याद रखना है कि सूर्य की किरणें, सनराइज, सनरेज आपकी जो होती हैं, सूर्य की जो किरणें होंगी उनसे इनका संबंध होगा, यानी कि फोटोवोल्टाइक समझे आप, यानी वो लाइट को क्या करेंगे आपका बदलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जेनर डायोड मतलब है कुछ, क्या जेनर डायोड क्या करता है आपका, वोल्टेज रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है, मतलब पल्सेटिंग डीसी में बदलता है, पूरा प्योर डीसी आपको नहीं मिलता है, उसके लिए आपको आगे और भी सर्किट लगानी होती है। ट्रांजिस्टर क्या होता है दोस्तों आपका, बीजेटी FET MOSFET, क्या उसमें आप लाइट देते हैं क्या, बचा क्या दोस्तों आपका सोलर मॉड्यूल। देख रहे हैं ये सब कॉमन सेंस क्वेश्चन है दोस्त, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन, ठीक है। नाइन पे आ जाइए दोस्त, क्या बोल रहे हैं आपसे ये कि भैया आपको क्या करना है, डेसिमल 32 को हेक्सा में परिवर्तित करना है। अब आप खुद सोचो कि डेसिमल को हेक्सा में बदलना है तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। बोलो भाई आपका 32 है तो 16 दूना 32 आपका हो गया 0, फिर 16 00 कितना आ गया 2, तो आ गया कितना भैया 20 आ गया आपका 20 है, यानी कि जो डेसिमल में 32 है तो आपके हेक्सा डेसिमल में कितना है दोस्त आपका, वो 20 है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई 10 पे आ जाओ, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। SMPS UPS इन्वर्टर आप पढ़ते हैं तो उसमें ही ये बातें बताई जाती हैं आपको, और बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है, बार बार कई बार आ चुका है। यूपीएस का जो आपका स्पेसिफिकेशन होता है, जो क्या होता है आपका, आपका होता है रेगुलेशन आपका प्लस माइनस आपका होता है 3%। क्या होता है दोस्त आपका, रेगुलेशन प्लस माइनस आपका 3%। अब यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस आपके तीन प्रकार के होते हैं, ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है आपका, और एक आपका और होता है, एक्चुअली वो नाम नहीं याद आ रहा है, वो आपको बता दूंगा मैं अभी आगे आने वाला क्वेश्चन, ठीक है।
तो ये आपका होता है। तो रेगुलेशन आपका प्लस और माइनस 3% आपका रहता है, याद रखिएगा इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया आता है। ठीक है, आ जाओ भाई 11 पे आ जाओ। ठीक है, आपका हो जाएगा ए और बी एंड सी एंड डी। क्या बोल रहे हैं आपसे जनाब, ये विच टाइप ऑफ फीडबैक यूज इन ऑसिलेटर सर्किट, जो आपका दोलित्र होता है, जो आपका ऑसिलेटर होता है, उसमें कौन सा फीडबैक आप यूज करते हैं। तो मैंने आपको क्लासेस में बता रखा है कि कौन सा करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक। अब यहाँ पे कुछ बातें आती हैं, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑसिलेटर जो आपका होता है वो दो प्रकार से आपका होता है, एक होता है साइनोसाइडल, एक होता है नॉन साइनोसाइडल, यानी कि ज्यावक्रीय होता है आपका, और एक आपका होता है जो ज्यावक्रीय नहीं होता है, मतलब कि आपका स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, ये सभी होते हैं, ये भी आपके आते हैं, तो इसको बोलते हैं नॉन साइनोसाइडल। अब साइनोसॉइडल में दो होते हैं, एक होता है आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी, एक होता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होती है और आपका ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो होती है, ऑब्वियस बात है कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है, जिसको बोलते हैं श्रव्य, आर आवृत्ति बोल देते हैं आप, श्रव्य मतलब सुनना होता है, बोलने का जो भी है एक्चुअली, हाँ मतलब समझ लीजिए आपका ऑडियो मतलब बोलना, और रेडियो मतलब क्या, आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी हाई होती है इसमें। अब आपका ऑडियो में दो होते हैं, आपका वेन और आपका आरसी फेसिस होता है, यानी इसको आप आरसी फिल्टर, आरसी ऑसिलेटर भी बोलते हैं। एलसी भी आपका आता है, एलसी में होता है कॉलपिट्स क्लैप एंड आपका दिस वन। इस पे फॉर्मूले शायद ही आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत देख लीजिएगा आप तो आपको नजर में रहेगा बाकी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बार्क होसैन क्राइटेरिया होता है कि ए बीटा इक्वल टू वन होता है, और आपका जो ओवरऑल फेज शिफ्ट होगा आपका वो कितना होता है दोस्त, आपका वो होता है 0 डिग्री या आपका 360 डिग्री हो जाएगा। क्या इस बात से आप एग्री करते हैं दोस्त? आ जाओ भाई 12 पे आ जाओ। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया। इफ एन एम्पलीफायर सर्किट हैव नेगेटिव फीडबैक, अगर आपका नेगेटिव फीडबैक है दोस्त तो आपका गेन कैसा होगा? अभी आपने देखा, देखो फीडबैक पे ही क्वेश्चन देखो बना भी, अभी आपने देखा था ना ए एफ इक्वल टू क्या होता है, ए अपॉन में 1 प्लस ए बीटा होता है, तो क्या होगा भैया, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बिल्कुल सही जवाब, क्या बोलेंगे दोस्त आपका, आपका डिक्रीज होगा मेरे भाई, आपका बैंडविड्थ बढ़ता है, गेन डिक्रीज होता है आपके नेगेटिव फीडबैक में। आ जाओ भैया 13 पे आ जाओ। आपसे पूछ रहे हैं भैया सेल फोन का कौन सा कंपोनेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूं अभी हम 13 पे ही पहुंचे हैं, टोटल 150 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और आपको 30 नंबर लाने क्वालिफाई करने के लिए, बस हो गया 30 से कम ही, यानी 27-28 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलफोन कंपोनेंट, SPTS रिले, DPDS आपका, तो एंटीना आपके मोबाइल में होता है, बाकी ये जो रिले वगैरह होते हैं ये क्या होते हैं आपका सर्किट में काम आते हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा एंटीना। आ जाओ भाई 14 पे आ जाओ। बोल रहे हैं आपसे भाई कि कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर कंटेन्स लेजर, यानी में से कौन सा है जो लेजर कंटेंट करता है, तो आपका होता है सीडी ड्राइव। क्या बोलते हैं इसको भैया, सीडी ड्राइव, ये लेजर कंटेंट करता है, समझे आप? एक होता है सीडी जो आप डालेंगे, ये ड्राइव होता है, यानी कि सीडी को ड्राइव करने वाला। तो जब सीडी आप रखते हैं तो जब वो आपका गोल घूमता है आपके लैपटॉप वगैरह में, अब तो आता ही नहीं है ड्राइव वगैरह, तो बंद ही कर दिया गया है, पेन ड्राइव वगैरह जैसे आ गई, सब चीजें बंद हो गई हैं। पहले फ्लॉपी आती थी, फ्लॉपी वगैरह आती थी, वो सब तो बहुत पहले बंद हो गया था। ठीक है, तो सीडी ड्राइव मतलब क्या हुआ, उसके नीचे लगा होता है, तो उसको क्या करता है, लेजर के थ्रू क्या करता है, आपके जो भी इंफॉर्मेशन उनको डिकोड करता है। रैम जो होता है ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका होता है, इसमें लेजर वेजर नहीं लगा होता। ठीक है, ये आपका होता है कैसा मेमोरी है, टेम्परेरी है, यानी कि लाइट गई तो आपका कहानी खत्म। आगे चलिए बढ़ते हैं, बात करते हैं आपका 15 पे, मैं भी चेक कर लूँ, ऑन तो नहीं है स्विच, ऐसा तो नहीं कि ऑफ हो जाए। बताओ भाई क्या होगा यहाँ से आपका, ए बी सी डी, बेसिक इलेक्ट्रिकल पे बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका, 45 दिया है, बोला है कि R1 क्या होगा। तो आप बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप लगा दीजिए वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दीजिए। भाई साहब आपने नाम सुना होगा वोल्टेज डिवीजन रूल का, अगर आपने पढ़ा होगा तो। क्या होता है दोस्तों आपका, सिंपल सा, कि जो आपका R1 है ये क्या होगा, टोटल वोल्टेज आपका होगा इंटू आपका जो यहाँ पर वोल्टेज होगा, यानी VR1 आपका, ठीक है, इंटू R1 कितना है भैया, 5 है ना, और ये 10, 5 हो जाएगा 15, तो 45 इंटू 5 हो जाएगा 15, 45, 3 5 15 आपका आ जाएगा आंसर। यानी आपका आंसर कितना आ गया भाई, 15 वोल्ट आपका आ गया कहाँ पर, V1 में। अच्छा V2 में क्या होगा भैया, जो बचा आपका वो कितना, 30, तो आपका 30 यहाँ पे आ जाएगा। क्या इस बात से एग्री करते हैं, बताओ भाई, बोलो यार हाँ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 की ओर आते हैं दोस्त। क्या बोल रहे हैं भाई साहब ये आपका, कि भाई एडिशनल हीट इज डिसिपेटेड फ्रॉम पावर ट्रांजिस्टर बाय यूजिंग, भाई अगर आपका एडिशनल हीट, यानी कि मान लो आपका ट्रांजिस्टर काम कर रहा है, काम करते करते बहुत ज़्यादा वो हीट हो गया। अब हीट क्यों होगा, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, तो वहां से हीट मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हीट सिंक जो होता है क्या करता है, आपकी हीट को एब्जॉर्ब करता है, और ये आपने देखा होगा भाई हीट सिंक क्या होते हैं, आपके ऐसे पतले पतले लंबे लंबे पार्ट होते हैं ना, जिसमें आपका बोलते हैं
तो आपका हीट सिंक हो जाएगा आंसर इसका। आइए आगे बढ़ते हैं, 17 पे आते हैं। क्या बोल रहे हैं आपसे ये जनाब, ए बी सी डी क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सुपीरियर बैंडविथ एंड टेम्परेचर स्टेबिलिटी, इनमें से कौन सा है जिसकी सुपीरियर क्या होती है बैंडविथ होती है और बेटर आपका टेम्परेचर स्टेबिलिटी होता है। टेम्परेचर स्टेबिलिटी आप खुद सोचो कि फोटो डायोड से कोई बेस्ट होगा क्या बताओ, फोटो डायोड आपका टेम्परेचर पे ही डिपेंड कर रहा है भाई, सनलाइट जो आएगी उसमें क्या होगा, हीट ही तो होगा, टेम्परेचर ही तो होगा, तो फोटो डायोड ही आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, समझ नहीं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं 18 पर। आपसे पूछा जा रहा है ये जो क्रिस्टल 1 और क्रिस्टल 2 आपका होता है पिन नंबर 8051 में। अच्छा एक बात और है, 8051 के पिन डायग्राम देख लीजिएगा थोड़ा सा, तो वहां से क्वेश्चन आपके मिले थे, बेसिक से आपके आराम से आप ले सकते हैं। तो 8051 आपका जो होता है उसमें आपके पिन में कौन से पिन में आपका XT आपका लगा होता है, तो भैया 18 और 19 में। ठीक है, थोड़ा सा पेपर गो थ्रू हो जाइएगा, आज आपकी तारीख है 9, आपका पेपर जो है वो है 15 को, जिनका डिपार्टमेंटल एग्जाम है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, RRB जो RRB ALP का मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 15 का एग्जाम है, तो अभी आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, बाकी जितना पढ़ा है उतना पढ़ो, मोर देन इनफ है आपका। 19 पे आ जाओ भाई साहब, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। आपसे पूछ रहे हैं कि भाई सर्किट सिमुलेशन के लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आप खुद सोचो सर्किट सिमुलेशन मतलब क्या होता है। मान लीजिए होता क्या है कि पहले के जमाने में और अब जमाने में काफी अंतर आ गया, कैसे, आजकल बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऐसे हो गए हैं कि जो सर्किट आप बनाने वाले हो, जैसे मैंने मुझे हाफ वेव बनाना है, ठीक है, मुझे हाफ वेव रेक्टिफायर बनाना है, तो पहले मैं क्या करता हूँ उस सर्किट को जो भी सॉफ्टवेयर हैं उनमें पहले उनको मैं इंस्टॉल करता हूँ और मैं चेक करता हूँ बार बार कि रेजिस्टेंस घटा बढ़ाकर कि भैया इतना करूंगा तो क्या आएगा, इतना करूंगा तो क्या आएगा, तो बड़ा सहूलियत हो गया है। नहीं तो पहले आपका ब्रेडबोर्ड में अलग अलग कंपोनेंट ला के हम पहले करते थे तो हमारे पैसे भी खर्च होते थे, अभी क्या है कि सॉफ्टवेयर में आपका कई सारे रजिस्टर पड़े हुए हैं वैल्यूज के, आपने उनको निकाल के डाल के रखा, कोई खर्चा है क्या, हाँ सॉफ्टवेयर खर्चा है नो डाउट, लेकिन आपका हार्डवेयर काफी बचेगा। तो जाहिर सी बात है कि आप खुद सोचो, मैं मानता हूं कि आप इसको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, मैं मानता हूं, लेकिन आपको यह तो पता है ना फोटोशॉप में आप सर्किट कैसे बनाओगे, सिमुलेशन क्या होता है आपका, सर्किट को कैसे आप चेक करेंगे, फायरफॉक्स आपका होता है जिसमें आप नेट चलाते हैं इसमें कैसे चेक करेंगे, विंडो 10 आपका तो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्त, तो बचा क्या आपका पी स्पाइस। तो ऑप्शंस बड़े शानदार अगर हों, जैसे कि ऑप्शन यहां पे बड़े मस्त मस्त होते तो यहां पे आपके भी तोते उड़ जाते, मेरे भी उड़ जाते, बात सही है, लेकिन ऑप्शंस इजी होने से क्या होता है क्वेश्चन आपका इजी बन जाता है। तो क्वेश्चन डिपेंड करता है कि भाई ऑप्शन कैसे हैं। ठीक है, आ जाओ भाई 20 पे आ जाओ, क्या बोल रहे हैं आपसे जनाब, ये UJT रजिस्टर बिकम आपका जो क्रॉसिंग पीक पॉइंट आपका होता है, तो UJT क्या होता है, बिकम नेगेटिव। अब UJT से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होता है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, क्या होता है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसमें दो बेस और एक एमिटर होता है, ये डबली बेस्ड भी कहलाता है, इसमें आपका इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो भी एक होता है ईटा, जिसमें आपका RB1 अपॉन में RB1 प्लस RB2 इनटू VRB आपका होता है फॉर्मूला आपका, और साथ में अगर बात की जाए तो ये सॉटूथ वेव जनरेट करता है, क्या करता है, सॉटूथ वेव जनरेट करता है आपका ये UJT आपका, तो इसको आप रिलैक्सेशन ऑसिलेटर भी बोल सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो इन बातों को याद रखिएगा, लेक्चर को बार बार सुनिएगा तो आपको जो मैं करा रहा हूं उससे ज्यादा मैं जो बोल रहा हूं उस पर क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो एक दो बार देख लीजिएगा तो आपको क्लैरिटी अच्छे से मिल जाएगी। आ जाओ भैया 21 पे आ जाओ, आपका ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। बोल रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस कैन बी ऑब्जर्व इन ट्रांसफार्मर व्हेन इट इज नॉट कनेक्टेड एट एनी लोड, यानी कि आपका एक ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर किस पे, किस प्रिंसिपल पे काम करता है भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें दो प्रकार के लॉस होते हैं जिसको आप बोल देते हैं वेरिएबल लॉस बोल देते हैं, जिसको बोलते हैं चर हानिया, और एक होता है आपका कांस्टेंट लॉस जिसको बोलते हैं अचर। अब जो वेरिएबल लॉस होता है वो आपका होता है क्या, कॉपर लॉस होता है। क्यों भाई, जब लोड दोगे आप यहां पर, ये आपका प्राइमरी हो गया, ये आपका सेकेंडरी हो गया, जब यहां पे आप कोई लोड लगाओगे तभी तो धारा प्रवाहित होगी, तभी तो करंट फ्लो होगा, तो कॉपर लॉस को ही क्या बोल देते हैं, वेरिएबल लॉस बोल देते हैं, I²R लॉस बोल देते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि लोड तो कनेक्ट है ही नहीं दोस्त, आपका लोड तो यहां पे कनेक्ट है ही नहीं, जब लोड ही नहीं कनेक्ट है मेरे दोस्त तो बताओ क्या होगा, जब लोड ही नहीं कनेक्ट है तो बताओ भाई क्या होगा, आपका कॉपर लॉस तो गया, थर्मल वोल्टेज लॉस तो आपका होगा नहीं, बचा कोर लॉस। कोर लॉस जो होता है इसको बोलते हैं कांस्टेंट लॉस, या इसको बोल देते हैं आयरन लॉस। क्यों, क्योंकि जो आपका ये ट्रांसफार्मर बनता है वो किसी कोर का बनता है, यानी कि आपका CRGO मेटल आप लेते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कौन से साइज का ट्रांसफार्मर चाहिए,
तो वहां पे दो लॉस होते हैं, एडी करंट लॉस होता है आपका और आपका हिस्टेरेसिस लॉस होता है। तो अगर कोई लोड नहीं लगा है इसको आप बोल देते हैं नो लोड लॉस, ठीक है। क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट टेस्ट भी बोल देते हैं आप, ओसी टेस्ट बोल देते हैं आप। क्यों? ओसी टेस्ट करने से क्या होगा, करंट आपका फ्लो नहीं होगा, जब करंट फ्लो नहीं होगा तो आपको कोई लोड रहेगा नहीं, जब कोई लोड रहेगा नहीं तो कॉपर लॉस होगा नहीं। तो ओपन सर्किट टेस्ट भी आप बोल देते हैं इस लॉस को, कोर लॉस अगर मुझे निकालना हो तो। क्या इस बात से आप एग्री करते हैं दोस्त, बताओ भाई, हाँ या ना? ठीक है, बाकी ट्रांसफार्मर क्या होता है आपका, इसमें आपका जो पावर है वो फिक्स रहता है, इनपुट आउटपुट साइड में कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज नहीं होती है, वगैरह वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है। आगे बात करते हैं 22 की ओर। आपका ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया। तो क्या देखा आपने, BC147 इज द ट्रांजिस्टर यूज्ड फॉर, आपका जो BC147 है, अगेन आईसी नंबर थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, बाकी मैं आपको पीडीएफ भेजने की कोशिश करूंगा आपको मिल जाए। आईसी नंबर एक बार आप जरूर देख लेना, आईसी नंबर पे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो जब पता है तो एक बार नजरों फेर लेना। बाकी अगेन अगर आपने अच्छे से कवर किया हुआ है जेई का सिलेबस या आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है टेक्निकल में, ये गारंटी है। बाकी ये सब तो फैक्चुअल डेटा क्वेश्चन होते हैं आपके, आया तो आया, नहीं तो इसमें कोई आप गुणा भाग नहीं कर सकते। अगर आया तो आया, नहीं तो इसमें आप कोई भी गुणा भाग नहीं कर सकते हैं। एम्पलीफिकेशन ऑफ ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल आपका, आ जाओ भाई 23 पे आ जाइए। क्या पूछ रहे हैं आपसे भाई कि जो आपका SMPS होता है इसको बोलते हैं स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। अच्छा सर ये क्या होता है, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो एक होता है लीनियर पावर सप्लाई, जो कि जिसमें क्या होता है आपका रेक्टिफायर होता है, आपका ट्रांसफार्मर होता है, फिल्टर होता है, दैट्स इट। अब स्विच्ड मोड पावर सप्लाई उससे बेटर होता है, जो आपका मोबाइल और आपका जो लैपटॉप होता है कभी आप देखेंगे तो उसका पावर सप्लाई का सेक्शन अलग से बना होता है, जहां पे आप लगाते हैं ना वो लीड लगाते हैं, तो अंदर जब आप देखेंगे खोल के तो वहां पे अलग से पूरा व्यवस्था होती है, तो इसकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, इसलिए बड़ा फेमस है इस समय ये स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। फिर से बोल रहा हूं SMPS स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ये दो प्रकार के होते हैं, आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में आपका पक बूस्ट, बूस्ट एंड ये सब होते हैं आपके, नॉन आइसोलेटेड में क्या होता है आपका, नहीं सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, नॉन आइसोलेटेड क्या होता है कि आपका इनपुट आउटपुट अलग अलग ना हो, तो बक बूस्ट हो गया आपका, बूस्ट हो गया, ठीक है। और आइसोलेटेड में क्या होता है आपका, फ्लाईबैक होता है आपका, फॉरवर्ड कंट्रोल आपका होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीजों को। 24 पे आ जाओ दोस्त, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। क्या बोला ना भाई, व्हाट इज द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ अ ट्रांजिस्टर इन एम्पलीफायर नोन एज, तो इसको बोलते हैं कोसेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं दोस्त आपका, कोसेंट पॉइंट, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको, अगर आपने बेसिक भी पढ़ रखा है तो आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बस क्वालिफाइंग ही तो है दोस्त मेरे, ठीक है। 25 पे आ जाइए दोस्त, क्या बोल रहे हैं आपसे ये, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर इन 555 टाइमर सर्किट, यानी कि जो डिस्चार्ज होता है आपका 555 टाइमर का वो कब होता है भैया आपका, तो वो होता है आपका टू स्टार्ट टाइमिंग बाय डिस्चार्जिंग द एक्सटर्नल कैपेसिटर आपका, ठीक है। अब 555 टाइमर का क्या क्या एप्लीकेशन है आपका भाई, ये मोनोस्टेबल, अनस्टेबल, बाईस्टेबल, तीनों प्रकार से काम कर सकता है। और 555 टाइमर आपका जो होता है वो आईसी होता है, ये टाइमर के लिए उपयोग में लाया जाता है। और जो 555 नाम है इसका, इसका नाम क्यों पड़ा कि इसमें स्टार्टिंग में आपने 5-5 किलो के तीन रजिस्टर आपने यूज किए थे, उसके बाद अब वो वैल्यू चेंज हो गई है, लेकिन नाम पड़ गया तो उसको आप इस सेंस में बोलते हैं, ठीक है। आ जाओ भैया 26 पे आ जाओ, आपसे बोल रहे हैं जो क्लैंपिंग आपकी होती, क्लिपिंग होती है एसी की, वो कैसे करते हैं। क्लिपिंग समझते हैं ना आप, क्लिपर क्लैंपर आपका, आपने सर्किट पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि मान लो कोई साइन वेव ऐसे है, मैं चाहता हूं कि भैया जो इसका नीचे वाला पार्ट है ये आपका कट जाए, ये रहे ही ना, या मैं चाहूँ कि थोड़ा सा ये हो जाए आपका, ऐसा कुछ बन जाए आपका, तो इसको बोलते हैं वेव शेपिंग सर्किट। तो डायोड के माध्यम से क्या करते हैं आप, क्लिपिंग करते हैं। और क्लैंपिंग एक होता है आपका, तो क्लैंपिंग क्या होता है, वो क्या करता है, डीसी वैल्यू ऐड कर देता है। तो याद रखिएगा क्लिपिंग एंड क्लैंपिंग, क्लिपिंग एंड क्लैंपिंग आपका दो टाइप के होते हैं। क्लैंपिंग में कोई भी कट नहीं होता है, बस शिफ्ट होता है, क्लिपिंग में कट हो जाता है, ठीक है। आ जाओ भाई 27, देखो सेम यूजीटी क्वेश्चन आ गया, अभी ये फर्स्ट पेपर है, 75 क्वेश्चन में देख रहे हो, क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहे हैं सेम पेपर में, ये भी नहीं कि कोई दूसरा पेपर है, सेम पेपर में ही क्वेश्चन देखो रिपीट हो रहे हैं। क्या जब बोल रहे हैं जनाब, यूजीटी क्या होता है आपका भाई, निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होता है, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या होता है बोलो भाई, बिल्कुल सही, अभी जस्ट मैंने आपको बताया क्या होता है आपका, ये निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक आपका हो जाता है, ये उसी पे काम करता है एक्चुअली, ठीक है। आ जाओ भाई 28 पे आ जाओ, ये आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया
व्हाट अबाउट डी? एंड आपका ये डी हो गया, बहुत बढ़िया। एनपीएन ट्रांजिस्टर प्रॉपर बाइसिंग फॉर कंडक्शन इज, आपका जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है प्रॉपर बाइसिंग कंडीशन क्या होगा बताओ भाई? प्रॉपर बाइसिंग समझते हैं आप, जिसमें आपका वो एज अ एम्पलीफायर काम करे, यानी कि आपका जो कलेक्टर मतलब कि एमीटर बेस जो आपका है वो हो जाए फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर बेस क्या होगा भाई, हो जाएगा रिवर्स बायस। ठीक है, सो बेस एमीटर फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर एमीटर रिवर्स बायस, एकदम सही जवाब है आपका ये, क्योंकि ये एक्टिव मोड में सक्रिय मोड में काम करता है और इसी में ही ये एज अ एम्पलीफायर काम करता है दोस्त। ठीक है, तो बेस एमीटर फॉरवर्ड बायस अगर अभिनित और आपका जो कलेक्टर एमीटर है क्या होगा रिवर्स बायस, पश्च अभिनित होता है आपका। ठीक है, आ जाओ भाई 29 पे आ जाइए दोस्त। क्या बोल रहे हैं, बीटा इज द रेशियो ऑफ, आपका जो बीटा होता है उसका रेशियो क्या होता है? तो बीटा आप जानते हैं क्या होता है, कॉमन एमिटर होता है ना, तो आईसी अपॉन में आईबी होता है। क्या हो गया भाई, अरे यार क्या हो गया, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, ऐसा मत करो यार, बस क्लास बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आईसी अपॉन में आईबी आपका, तो क्या होता है कलेक्टर करंट टू बेस करंट। अच्छा एक बात और है, मान लीजिए अगर मैंने थोड़ा सा स्पीड के चक्कर में मान लीजिए तो क्वेश्चन अगर कहीं गलती से गलत टिक हो जाते हैं तो आप मुझे जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि और लोगों को गलती से कोई भी ऐसा ना मिले आंसर इसमें कुछ गलती दी हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 30 पे आते हैं, देख लो फिर से सेम क्वेश्चन डिट्टो सेम क्वेश्चन सेम में, अभी 75 पे एक सेट खत्म होगा, 75 पे एक सेट खत्म होगा और जो हो उसी में आ गया, सेलेक्ट द करेक्ट यूपीएस आउटपुट स्पेसिफिकेशन। तो भैया क्या होता है, रेगुलेशन आपका जो होता है प्लस माइनस 3%, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। 31 पे आते हैं दोस्त, क्या बोल रहे हैं आपसे, ये ए बी सी आपका डी है, क्या जाना बोल रहे हैं आपसे ये, कि भाई पल्स ऑफ लाइट आर यूज्ड इन, आपका जो पल्स ऑफ लाइट होता है आप किसके लिए यूज करते हैं, फॉर कम्युनिकेशन टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। भाई लाइट शब्द आते ही एएम में आपने कभी यूज किया है, एएम में, एफएम में, डिजिटल में, ऑप्टिकल फाइबर दिया तो है मेरे दोस्त, देख रहे हो सेम क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा के पूछ रहे हैं। आ जाओ भैया 32 पे आ जाओ, तो आपका ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, आपका सी हो गया, आपका डी हो गया। बोल रहे हैं टीवी चैनल आपका फ्रीक्वेंसी असाइन टू 54 से 806 मेगाहर्ट्ज, रेंज फॉर डिवीजन ऑफ चैनल आपका, तो बताओ भाई क्या होगा आपका, आपका आ जाएगा 68 के अराउंड आपका आ जाएगा इसमें चैनल आपके। ठीक है, आ जाओ भाई 33 पे आ जाओ, क्या बोल रहे हैं आपसे ये, ए बी सी आपका डी, क्या बोल रहे हैं आपसे ये, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर कॉन्फिगरेशन इज द एम्पलीफायर वोल्टेज गेन इज लोवेस्ट, इनमें से किसमें आपका लोवेस्ट वोल्टेज गेन होता है? तो भैया मेरे कॉमन कलेक्टर में होता है, किसमें होता है दोस्त आपका, कॉमन कलेक्टर आपका होता है यूनिटी गेन, इसको आप एज अ बफर भी यूज करते हैं, इसका हाइएस्ट करंट गेन होता है, उसके बावजूद भी आप इसको करंट गेन के लिए यूज नहीं करते हैं। कॉमन बेस का हाइएस्ट वोल्टेज गेन होता है, कॉमन मीटर आपका होता है बीचों बीच रहता है आपका। 34 पे आते हैं दोस्त, टू स्टेज आरसी कपलिंग हो रखी है, फंक्शन ऑफ सीसी कैपेसिटर इज टू, समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं भैया, दो ट्रांजिस्टर आपके हैं, दो ट्रांजिस्टर को आप क्या कर रहे हैं, कपलिंग कर रहे हैं। कपलिंग करते क्यों हैं, ताकि आपका मल्टी स्टेज बने, क्यों करते हैं भाई, ताकि आपका क्या हो, बोलो यार, ताकि आपका गेन बढ़ जाए ना, तभी तो आप ट्रांजिस्टर की कपलिंग करते हैं, बताओ भाई, हाँ है ना। तो द फंक्शन ऑफ सी सी, जो आपका सी सी होता है, इसका काम क्या होता है, आपके सी बी होते हैं, सी ई होता है, सी सी होता है, तो क्या होता है भाई, ब्लॉक द डी सी वोल्टेज, और आपका जो कैपेसिटर होता है वो डी सी को ब्लॉक भी करता है, आपको ये बहुत अच्छे से पता है, डी सी वोल्टेज को ये ब्लॉक करता है, इससे फायदा क्या होता है कि आपकी बाइसिंग में कोई इफेक्ट नहीं आता है। सेलेक्ट द, बहुत ही सिंपल प्यारा क्वेश्चन, आपका डीसीएन का टॉपिक है ये, फुल डुप्लेक्स पूछा गया है, आपके तीन टाइप के होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है, ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर ही रहेगा, रिसीवर रिसीवर ही रहेगा। आपका हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा, आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर जैसे काम करेगा, लेकिन हाँ एक बार में एक ही करेगा, उसका एक नाम है क्या, वॉकी टॉकी। तो वॉकी टॉकी जो होता है ये आपका होता है हाफ डुप्लेक्स, और टीवी क्या होगा, इसको बोलते हैं सिंप्लेक्स। आपका जो मोबाइल फोन होता है ये होता है आपका फुल डुप्लेक्स, यानी कि आपका यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है कि कोई एक एक बार में यूज कर पाएगा, आप जितना चाहें उतना यूज करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे दोस्त, क्या ये बात समझ आ गई। चलिए आगे बढ़े, आ जाओ भाई 36 पे आ जाओ भाई, आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। रैम आपका जो होता है 8051 का, वो कितना होता है बताओ भाई, जो आपका रैम होता है वो होता है 256 बाइट,
कितना होता है दोस्तों आपका 256 बाइट आपका। आ जाओ भाई 37 पे आ जाओ। आपका ये ए हो गया, ये बी है, ये सी है, आपका डी है। क्या बोल रहे हैं आपसे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज शोन इन फिगर, यानी कौन सा लॉ लगता है आपके इस फिगर में। तो बहुत ही आसान है आपका, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। कौन सा भैया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। कोई दिक्कत यहां तक। अब जो मेस होता है, मेस में आपका केवीएल प्लस आपका ओम्स लॉ लगता है। मेस में अगर आपका नोडल में केसीएल प्लस आपका ओम्स लॉ। आ जाओ भाई 38 पे आ जाओ कि भैया आपका जो इन्वर्टर होता है आपके घर में जो होता है, व्हाट इज द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज्ड इन होम इन्वर्टर टू पावर फ्रॉम 12 वोल्ट बैटरी। अगर 12 वोल्ट बैटरी से मुझे अगर लेना है तो क्या होगा, मुझे स्टेप अप करना पड़ेगा ना दोस्त। स्टेप अप मतलब क्या होता है, ज़्यादा बढ़ा देना किसी को, वैल्यू इंक्रीज करना। 39 पे आ जाओ भाई। ए है, बी है, सी है और डी है आपका। साइड बाई साइड स्टैक ड्राइवर आर माउंटेड। ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं कि इसको अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको ना करने से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। ठीक है, लेकिन हाँ अगर ऐसे क्वेश्चन आपने छोड़ दिए तो वहां पे दिक्कत है। यहाँ ये जो क्वेश्चंस हैं ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करते हैं कि हाँ आपका होगा। लेकिन ये जो सिलेक्शन, ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये आपके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जो आपकी रैंक को बढ़ा देते हैं, बस ये फर्क होता है। आ जाओ भैया 40 पे आ जाओ, 40 पे आ जाइए। विच एमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वर्किंग द प्रिंसिपल ऑफ लाइट टू वोल्टेज कन्वर्जन, यानी कि लाइट को वोल्टेज में कौन परिवर्तित करेगा। बताओ यार क्या ही क्वेश्चन पूछते हैं ये, ऐसे टॉपिक पे कितने बार क्वेश्चन आ चुका। ब्रिज, जेनर, हाफ। ऑप्शन देख रहे हो कितने शानदार हैं, ऑप्शन कितने शानदार देख रहे हो आप। आ जाओ भाई 41 पे आ जाओ। क्या बोल रहे हैं भाई, कंट्रोल आर का क्या यूज होगा, कंट्रोल आर का क्या यूज होगा बताओ भाई। मूव द कर्सर टू द राइट ऑफ द पेज, कंट्रोल आर आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया आपका बेसिक कंप्यूटर से। ठीक है 42 पे आ जाओ भाई, देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ यूपीएस, इनमें से कौन सा यूपीएस का टाइप होता है। तो मैंने आपको जैसा भी बताया था ना कि भाई होता है, एक होता है ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन। तो यहाँ पे जो लाइन इंटरेक्टिव होता है ये भी एक आपका होता है यूपीएस का टाइप। तो आपका जाएगा आंसर दिस वन। 43 पे आ जाओ दोस्त। क्या बोल रहे हैं आपसे भाई, आपसे बोल रहे हैं एज द कलर वेरीज फॉरवर्ड वोल्टेज वेरीज। अगर आपका कलर वेरी करेगा तो फॉरवर्ड वोल्टेज भी वेरी करेगा, और ये किस में होगा आपका, एलईडी में होगा। किस में होगा दोस्तों आपका, ये एलईडी में होगा। जस्ट वेट, कभी कभी यही होता है। देखो 43, और इसको प्रॉपरली एनालिसिस करना आप लोग, ठीक है, पेपर को। ये नहीं कि आप हड़बड़ा जाओगे, अरे सर एलईडी एलईडी भरा पड़ा है, ऐसा नहीं है। आप जो क्वेश्चन लिखेंगे ना तो आपको 70 में से 75 में से आपको 40 क्वेश्चन बहुत आराम से ऐसे मिलेंगे जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं और आप आराम से क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है 44 पे आ जाओ दोस्त। ए है, बी है, सी है और आपका डी है। क्या बोल रहे हैं आपसे, ये कौन सा यहाँ पे सेंसर है जो क्या करता है आपका, डिटेक्ट कर देता है आपके ऑब्जेक्ट को विदाउट फिजिकली कांटेक्ट, यानी कि कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है और वो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, जान जाते हैं। तो आपका होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। क्या होता है भैया आपका, प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपका हो जाता है। ठीक है 45 पे आ जाओ दोस्त। कोर इंडक्टर विल हैव हाइएस्ट इंडक्टेंस, विच ऑफ द गिवेन कोर आपका है और उसमें सबसे हाइएस्ट इंडक्टेंस किस में होगा। जाहिर सी बात है आपके आयरन में होगा ना भाई, क्योंकि देखो कॉपर आपका, कॉपर तो क्या है आपका, आपका ये मेटेलिक है आपका, यानी कि आपका ये कंडक्टर है। वुड तो आपका लकड़ी है, एयर आपका तो एयर ही है, एयर कोर आपका। तो हाइएस्ट किसमें होगा भाई, आयरन कोर में आपका हाइएस्ट इंडक्टेंस होता है। आ जाओ भाई 46 पे आ जाओ। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ वन टू अदर, कौन सा फोर्स है जो आपके करंट को फ्लो करने में मदद करता है। तो बताओ भाई कौन सा होगा, जाहिर सी बात है आपका वोल्टेज। आपके सर्किट में वोल्टेज काम क्या होता है भाई, देखो चार्ज, करंट और वोल्टेज। जब वोल्टेज जो है वो क्या करता है, चार्ज पे काम करता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन में Q। जब वोल्टेज चार्ज पे काम करेगा तो चार्ज जब काम करेगा, ये थोड़ी कि बर्तन साफ करेगा, चार्ज पे काम करने मतलब क्या हुआ, चार्ज मूव करेगा, और जब चार्ज मूव करेगा तो करंट बनेगा। तो ये कहानी होती है और इसी को ओम साहब ने पकड़ लिया था कि भैया वोल्टेज और करंट आपस में क्या है, समानुपाती है, जितना वोल्टेज उतना आपका करंट फ्लो तेजी से होगा। आ जाओ भैया 47 पे आ जाओ।
आपका ए बी सी एंड डी। विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइस पीएन जंक्शन डायोड विद थ्री टर्मिनल एज पर कंस्ट्रक्शन। आपका तीन टर्मिनल आपका होता है और पीएन जंक्शन आपका डायोड होता है, और तीन टर्मिनल किसमें होते हैं बताओ भाई, बोलो यार। आपका यूजेटी। अब डाउट यहां पे आएगा, क्या डाउट आएगा कि सर बीजेटी में भी तो आपके तीन टर्मिनल होते हैं लेकिन वहां पे दो जंक्शन होते हैं, एफईटी में भी आपके दो जंक्शन होते हैं, एससीआर में आपके तीन जंक्शन होते हैं। इसने पूछा है सिर्फ एक जंक्शन के बाद की है, ओनली अ पीएन जंक्शन डायोड आपका सिंपली। तो यूजेटी आपका होता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, देख रहे हैं। तो कुछ ये ऐसा होता है आपका, ये ऐसा बनता है, ये आपका एमिटर होता है, यहाँ पे आपका B1 बेस होता है, यहाँ पे आपका B2 बेस होता है। ये P होगा तो ये N होगा आपका, यहाँ पे एक ही देखो पी एन जंक्शन आपका है ना, सिंपली इसका जो सिंबल होता है कुछ ऐसा ही होता है आपका। ठीक है, आ जाओ भाई 48 पे आ जाओ। क्या बोल रहे भाई, फॉलोइंग वन व्हेन एनी वन इनपुट इज वन, यानी कि आपका आउटपुट वन होगा जब कोई भी एक इनपुट क्या होगा भैया आपका वन हो जाएगा। बताओ भाई कौन सा होगा आपका, ऑर गेट। और गेट में यानी क्या हुआ, कोई एक भी वन रहेगा तो आपको आउटपुट वन मिल जाएगा, कोई एक भी वन रहेगा आपको आउटपुट क्या मिलेगा, वन मिलेगा। आ जाओ भाई 49 पे आ जाइए। विच टाइप ऑफ काउंटर इज लास्ट स्टेज ऑफ शिफ्ट रजिस्टर फीडबैक टू डी फर्स्ट स्टेज। आपका आपसे पूछ रहे भैया इनमें से कौन सा है जो लास्ट स्टेज आपका जो है वो आपका फर्स्ट वाले से क्या है, लिंक है। तो उसको बोलते हैं जॉनसन काउंटर। क्या बोलते थे दोस्त, जॉनसन, यानी कुछ ऐसा, ये ऐसे आपका है मान लो और ये ऐसे आपका वापस। ठीक है, आ जाओ भैया 50 पे आ जाओ। क्या इन्होंने बोला भाई कि हेक्स में 2A, हेक्सा डेसिमल आपका 2A है, आपका डेसिमल में क्या होगा आपसे ये पूछा जा रहा है। तो भैया 2A है तो 2A आपका हो जाएगा क्या, यहां से हो जाएगा 0 और यहां से हो जाएगा 1। ठीक है, और ये हेक्सा में है तो क्या हो जाएगा 2 × 16 की पावर 1 प्लस ए क्या होता है भैया आपका 10 होता है, 16 की पावर 0 हो जाएगा तो हो जाएगा 32 और यहां से आएगा 10 हो जाएगा 42। तो कितना आएगा भैया आपका 42 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई 51 पे आ जाओ दोस्त। क्या बोल रहे हैं आपसे ये कि एसएमपीएस जो होता है उसका जो आउटपुट होता है वो क्या होता है। भैया एसएमपीएस जो आप यूज करते हैं किस लिए करते हैं, आपका जो मोबाइल है, आपका जो लैपटॉप है या जो भी है आपका, ये डीसी तो ही यूज करते हैं, डीसी में समझ रहे हैं आप, आपका बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम आपके ये बैटरी से ऑपरेट होते हैं ना, तो इसलिए आपका ये एसएमपीएस आपका जो हो गया डीसी आपको देता है। 52 पे आ जाओ भाई। ओपैम पे क्वेश्चन आपका आ गया, देखो द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ ओपैम क्या होता है भैया आपका, इनफाइनाइट होता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं ओपैम पे, आपको सिंबल दिया रहेगा उससे पूछ लेंगे, आपको इसके जो प्रॉपर्टीज और भी हैं, इनपुट होता है इन्फिनिटी, आउटपुट होता है जीरो, स्ल्यू रेट होता है इन्फिनिटी, CMRR होता है इन्फिनिटी, और आपका इनपुट ऑफसेट वोल्टेज होता है जीरो, इनपुट ऑफसेट करंट होता है जीरो। तो ये सब बातें याद रखिएगा। ओपन लूप गेन क्या होता है, इन्फिनिटी होता है आइडियल में बात की जाए तो। ठीक है, आ जाओ भाई 53 पे आ जाओ। क्या बोल रहे हैं आपसे, पीएन जंक्शन डायोड दैट एक्टिवेटेड इज कॉल्ड। आपका जो पीएन जंक्शन डायोड होता है एक्टिवेटेड इज कॉल्ड, तो जाहिर सी बात है कि एमिट लाइट्स एंड एलईडी। पीएन डायोड आपका होता है कौन होता है आपका, आपका एमिट लाइट और आपका एलईडी। डायोड आपका इलेक्ट्रॉन एमिट करता है क्या, कुछ भी क्या, रेगुलेटर आपका इलेक्ट्रॉन एमिट करता है क्या। ठीक है, एलसीडी आपका फोटोन करता है, फोटॉन्स होते हैं लेकिन आपका एलसीडी जो होता है वो आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, यहां डायोड की बात चल रही है। तो मैंने बोला ना कॉमन सेंस, कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपका अपने आप ही क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। आ जाओ भाई 54 पे आ जाओ। ह्यू एंड सेचुरेशन इज सेट टू कलेक्टिवली डिस्क्राइब द, आपका ह्यू जो होता है आपका जो सेचुरेशन होता है ये क्रोमेटिसिटी आपका जो टीवी का होता है उस पर ये डिपेंड करता है, आपका ह्यू या आपका सेचुरेशन जो होता है वो क्रोमेटिसिटी ऑफ टीवी पर डिपेंड करता है। क्या इस बात से आप एग्री करते हो तो भाई, क्या इस बात से आप एग्री करते हैं। चलिए आगे बढ़े 55 पे आ जाओ भाई। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, पर डी हो गया। 12 वोल्ट डीसी है, 24 डीसी है, जनरल ऑपरेटिंग वोल्टेज फॉर, ये सभी वो क्वेश्चंस हैं जो फैक्चुअल डेटा पे होते हैं। आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं, इनसे डरने का नहीं, डरने का नहीं, 75 क्वेश्चन है भाई साहब, 30 ही करने हैं, आराम से आ जाता है।
ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको तीस ही करने हैं, क्योंकि भाई आपको बस कैसे करके यहाँ पे क्वालिफाई करना है, बाकी तो मेन आपका उसमें है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एस एम पी एस कंपोनेंट, मॉसफेट, जेनर और अगर फेटी होता है क्या? नहीं होता है, आपका होता है क्वाइल। एस एम पी एस वगैरह मैंने आपको कराया हुआ है, आप उसको आराम से देख सकते हैं, आपका ए बी सी और डी मैंने बहुत अच्छे से आपको कराया हुआ है। अब एस एम पी एस में देखो कितने क्वेश्चन आ गए हैं, तो एस एम पी एस इन्वर्टर, यूपीएस, और खासकर एस एम पी एस क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे, तो सब कराया हुआ है आपको, ठीक है। आउटपुट फिल्टर कॉइल आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में देख लीजिएगा, आप लोग को आपको मिल जाएगा। 57 पे आ जाओ दोस्त, क्या बोल रहे हैं आपसे ये, व्हाट इज द रिजल्टेंट वोल्टेज ऑफ टू लिथियम आयन सेल कनेक्टेड टू वन लेड एसिड बैटरी इन सीरीज। अगेन थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा क्वेश्चन आपका, क्या आएगा भाई आपका 19.4। अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि ये फैक्चुअल है, ठीक है। 58 पे आ जाओ भाई, कौन सा कन्वर्ट करता है साउंड को इलेक्ट्रिकल में, साउंड को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कौन करेगा बताओ भाई? माइक्रोफोन, ये तो वही कहा ना कि ये तो कॉमन सेंस भी कर सकते हैं ना आप लोग, ये माइक्रोफोन आपका साउंड से इलेक्ट्रिकल, ये साउंड है जो मैं बोल रहा हूं, इस वायर में कैसे जाएगा? इलेक्ट्रिकल के माध्यम से जाएगा, क्योंकि वायर जो होता है वो साउंड को सपोर्ट नहीं करता, वो किसको करता है? वोल्टेज करंट को करता है, ठीक है। 59 पे आ जाओ भाई साहब, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और आपका डी हो गया, क्या बोल रहे हैं आपसे? व्हेन नो एसी इनपुट सिग्नल आर कनेक्टेड टू सीई कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, लोड लाइन कैन बी प्लॉटेड, आपका जो लोड लाइन होता है वो किसके बीच में आप प्लॉट करते हैं? तो वीसीई और आपका आईसी के बीच में भाई, ऐसा होता है ना, ये आपका आईसी होता है या आपका वीसीई होता है, ठीक है दोस्त। देखा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपका है। आ जाओ भैया 60 पे आ जाओ, आपका जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है इसमें क्या होगा बताओ भाई? आपका ये होता है बाई जंक्शन, क्या होता है भाई आपका? बाई जंक्शन होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है आपका? बाई जंक्शन होता है, क्या इस बात से आप एग्री करते हैं दोस्त? यहाँ पे दो जंक्शन होते हैं ना, एक आपका ये रहा, एक आपका ये रहा, थ्री जंक्शन नहीं होते, ठीक है। यूनि आपका नहीं होता, वो यूएटी में होता है यूनि आपका, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े, आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं फटाक से, क्या बोल रहे हैं? 61 बोल रहे हैं, क्या होगा दोस्त बताओ भाई? ए बी सी एंड डी, एस एम पी एस आपका, एस एम पी एस क्या होता है दोस्त आपका? देखा क्वेश्चन, स्विच द मोड पावर सप्लाई, अब आप खुद सोचो 61 क्या होगा, स्विच द मोड पावर सप्लाई का हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। 62 पे आ जाओ भाई दोस्त, क्या पूछ रहे हैं आपसे ये, विच एमंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन जनरेट साइन वेव विद वेरिएबल फ्रिक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, यानी कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो जनरेट कर सकता है आपका क्या वेरिएबल फ्रिक्वेंसी और आपका साइन वेव आपका? तो देखो सीआरओ आपका मेजर करता है, एलसीआर मीटर आपका है, डीएसओ आपका मीटर आपका है, लेकिन आपका जो फंक्शन जनरेटर होगा, देखो ऑप्शन कितने उन्होंने सिंपल दिए हुए हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपका आंसर अपने आप निकल आएगा भाई। सीआरओ जो होता है ये क्या करता है? मेजर करता है, एलसीआर आपका मेजर करता है, मीटर है तो मेजर करेगा, ऑब्वियस बात है, मीटर शब्द ही बता रहा है कि वो मेजर करेगा। डीएसओ होता है, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप आपका होता है, ये भी आपका डिस्प्ले डिवाइस आपका है। बचा क्या आपका? फंक्शन जनरेटर, यहां पे आपको जनरेट करना है, आपको क्या करना है? जनरेट करना है दोस्त, ना कि आपको, बिल्कुल सही। आ जाओ भाई 63 पे आ जाओ, क्या बोल रहे हैं आप सही? एस एम पी एस आपका जो होता है एसी टू डीसी, आपका एस एम पी एस इज यूज टू ट्रांसफॉर्म पावर फ्रॉम एसी टू डीसी, जाहिर सी बात है डीसी लोड को, इसको डीसी को लोड को आपको ये करता है ट्रांसमिट। आ जाओ भाई 64 पे आ जाओ, स्केल ऑफ पी एम एम सी इंस्ट्रूमेंट, आपका जो स्केल होता है पी एम एम सी का वो कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है कि नॉन यूनिफॉर्म होता है? तो आपको पता है कि जो आपका टाउ सी होता है, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो आपका होता है टाउ डी आपका जो होता है प्रोपोर्शनल टू आई होता है, अब प्रोपोर्शनल टू आई है तो जाहिर सी बात है ये आपका रेखीय ही तो है, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, वही बराबर रूप से, अगर ये कुछ ऐसा होता आई स्क्वायर या कुछ वो और फॉर्म में तो ये होता नॉन अरेखीय होता, तो क्या बोलेंगे इसको भैया? यूनिफॉर्म बोल देंगे, क्या बोल देंगे तो उसको? यूनिफॉर्म बोल देंगे। पी एम एम सी का इसका फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल होता है, क्या होता है तो सबका? परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल आपका हो जाता है। आ जाओ भाई 65 पे आ जाओ, आपका जो फोटो ट्रांजिस्टर है वो आप किस लिए प्रयोग करते हैं? फोटो ट्रांजिस्टर किस लिए यूज होता है आपका? बेसिकली ये होता है आइसोलेशन के लिए, कैसे होते हैं आप इसको? आइसोलेशन के लिए। आ जाओ भाई 66 पे आ जाओ,
डार्लिंगटन पेयर आपका जो होता है बेसिकली वो आप करते क्यों हैं, तो डार्लिंगटन पेयर आपका जो होता है वो सी सी दो कॉमन डेटर आपके होते हैं उनको हम यूज करते हैं कास्केडिंग फॉर्म में। और दूसरा कि भैया ये आपका करंट एम्पलीफाई करता है, यानी कि बीटा वन प्लस बीटा होता है और ये अप्रोक्सीमेटली बीटा स्क्वायर होता है, और बीटा स्क्वायर क्या आपका करंट गेन ही तो होता है, बोलो भाई हाँ ना। आ जाओ भाई 67 पे आ जाओ भाई, क्या बोल रहे हैं आप सही है। व्हाट इज द पीक टू पीक वोल्टेज ऑफ एसी एंड आपको विद आरएमएस दिया हुआ है 220, कंसीडर द स्क्वायर रूट टू क्या आपका 1.4 दे रखा है। तो आपको पूछा है पीक टू पीक, तो वी आरएमएस क्या होता है आपका, वी एम अपॉन में रूट टू होता है, आपसे वीएम पूछा है तो ये हो जाएगा 220 इनटू रूट टू। और रूट टू की वैल्यू क्या बोली उन्होंने कि भैया आपको लेना है 1.4 लेना है, तो 0 14 दुने 28 और 14 दुने 28 और 2 30, बोलो भाई कितना आएगा, 308 आएगा है ना, बहुत बढ़िया, कितना आएगा 308 आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, बताओ भाई आगे बढ़ा जाए। आ जाओ भाई 68 पे आ जाओ, क्या बोल रहे हैं आपसे ये कि भैया आपका जो फाइबर ऑप्टिक पावर मीटर आपका दिया हुआ है, अटैचिंग फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर डिटेक्टर टू कैप्चर, आपका जो फाइबर ऑप्टिक होता है वो क्या कैप्चर करने की कोशिश करेगा। तो भैया ऑप्टिकल फाइबर जो होता है हमेशा लाइट से ही संबंधित होता है, अगर ऑप्टिकल फाइबर आ गया तो बाय डिफॉल्ट वो क्या है, लाइट से ही आपका संबंधित है मेरे दोस्त, क्या ये बात समझ में आई नहीं आई, बताओ। वो लाइट से ही संबंधित है तो क्या होगा आपका, लाइट रे को क्या करता है, वो कैप्चर करता है। आ जाओ भाई 69 पे आ जाओ, ए बी सी और डी क्या बोल रहे हैं आपसे भाई, टीवी टेक्नोलॉजी आपका डिस्प्ले दिया हुआ है ब्लॉकिंग व्हाइट लाइट, बताओ भाई क्या होगा, बिल्कुल सही क्या बोलेंगे आप, एलसीडी टीवी आपका क्या होता है भाई, आपका एलसीडी टीवी आपका हो जाएगा क्या। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीवी टेक्नोलॉजी डिस्प्लेज इमेज बाई ब्लॉकिंग व्हाइट लाइट, तो आपका होता है एलसीडी। अगेन ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फैक्चुअल टाइप आपके हैं। आ जाओ भाई 70 पे आ जाओ दोस्त, क्या बोल रहे हैं आपसे भाई, स्मिथ ट्रिगर जो आपका होता है वो आप किस लिए प्रयोग करते हैं, स्मिथ ट्रिगर आपका जो होता है तो वो आप प्रयोग करते हैं रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के लिए, हर्टले क्रिस्टल और आपका कॉल्पिट्स, हर्टले क्रिस्टल कॉल्पिट्स ये सभी के सभी क्या होते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी होते हैं और साइन वेव होते हैं दोस्त, क्या होते हैं, साइन वेव हो जाते हैं। आ जाओ भाई 71, देखे फिर से आ गया यूजेटी, अभी एक ही पेपर खत्म नहीं हुआ है, दो शिफ्ट में है तो पहला शिफ्ट अभी खत्म नहीं हुआ, पहला शिफ्ट चल रहा है आपका, यूजेटी क्या होता है भैया आपका, सार्टूथ वेव आपका क्या होता है दोस्त, आपका सार्टूथ वेव आपका होता है जनरेट करता है आपका, ये आपका रिलैक्सेशन ऑसिलेटर भी होता है। 72 पे आ जाओ भैया, बोल रहे हैं जो मॉस्फेट आपका है ये क्या होता है, तो भैया मॉस्फेट जो आपका होता है, मॉस्फेट होता है मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या भाई कि आपका जिसमें हाई इनपुट होता है और आपका लो आउटपुट होता है, हाई इनपुट आपका और लो आउटपुट होता है आपका, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो भाई, चलिए आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई 73 पे आ जाओ, बी सी और आपका डी क्या बोल रहे हैं आपसे ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट द फिजिकल पैरामीटर टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, देखो फिर से आ गया फिजिकल को इलेक्ट्रिकल में भैया, तो कौन करता है भैया, ट्रांसड्यूसर करता है, ट्रांसड्यूसर करेगा आपका भाई, ट्रांसफार्मर क्या करता है, बस हाई वोल्टेज लो वोल्टेज करता है, क्रिस्टल क्या करता है आपका, आपका जो सिग्नल रहेगा उसको ये ऑसिलेटर बनाता है, स्पीकर क्या होता है ये इलेक्ट्रिकल को बनाएगा साउंड में, और ये क्या बोल रहा है भाई कि फिजिकल पैरामीटर टू एन इलेक्ट्रिकल, यानी कि फिजिकल साउंड से इलेक्ट्रिकल में ऐसा, ठीक है। 74 पे आ जाओ दोस्त, क्या बोल रहे हैं, वैन, तो लैन मैन वैन आपका क्या होता है वो आपको अच्छे से पता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लैन मैन वैन लोकल एरिया वाइड एरिया, ठीक है, लैन मैन वैन लोकल एरिया वाइड एरिया आपका जो होता है, तो वैन क्या होता है, वायरलेस एरिया या वाइड एरिया, वाइड एरिया होता है दोस्त, वायरलेस कैसे हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। 75 पे आ जाओ भाई साहब, तो ये 75 आपको एनालिसाइज करना है और इसमें से 40 क्वेश्चन ढूंढने हैं, जो आपको 40 के आपको 50 मिल जाएंगे, आपको 30 ही करने हैं, मैं तो 30 बोल रहा हूँ, 27 ही होते हैं वैसे, तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। क्या होगा दोस्तों आपका, यहां से आपका जाएगा 1.5 हो जाएगा,
ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो सेट आपका ये वाला था ये आपने अच्छे से कवरअप किया, और उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर दोस्त। इन केस कोई दिक्कत कोई समस्या है कमेंट कर सकते हैं आप, आपके कमेंट्स में हम लोग जो भी रहेगा बता देंगे जैसा भी रहेगा। और पीडीएफ अगेन आपका टेलीग्राम पे मिल जाएगी और आपको वहां मिल जाएगी, ना क्या कहते हैं, जो ऐप में देख रहे हैं उनको ऐप मिल जाएगी, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको यूट्यूब पे मिल जाएगी। ठीक है, यूट्यूब मतलब समझ रहे आप, रत्नेश क्यूटेक नाम से जो आपका टेलीग्राम चैनल है वहां आपको मैं ये शेयर कर दूंगा। चलिए, तो ये 75 क्वेश्चन आपके हो गए। चलिए फटाफट 75 जो नेक्स्ट वाले हैं वो भी उड़ा देते हैं, तो आपका काम हो जाएगा अपना बढ़िया। ठीक है, अब कम से कम 40 मिनट में उड़ाना पड़ेगा क्योंकि अभी मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और भी क्लासेस हैं, तो इसलिए थोड़ा स्पीड करना पड़ेगा। तो माफी चाहता हूं, अगर मान लो स्पीड थोड़ा होता है तो आप इसको स्लो फास्ट कर सकते हैं, आपके पास मौका है कि आप सर को जैसे चाहे वैसे घुमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन का ही फायदा है। आ जाओ भाई 76 पे आ जाओ, तो 150 पूरे होंगे ना, 150 पूरे हो जाएंगे 76। अब ये आपका सेट टू है, वो सेट वन हो गया था, अब सेट टू यहां से स्टार्ट होगा, स्टार्ट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं जनाब आपसे ये कि भाई विच कैटेगरी यानी किस कैटेगरी में आपका ओम मीटर फॉल होता है, विच कैटेगरी में आपका ओम मीटर आपका फॉल होता है, तो मूविंग क्वाइल आपका इंस्ट्रूमेंट में, किसमें, मूविंग क्वाइल आपका इंस्ट्रूमेंट में, बताओ भाई कोई दिक्कत, मूविंग क्वाइल आपका इंस्ट्रूमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 77 पे आते हैं दोस्त। आपका जो जेनर डायोड होता है वो क्या होगा भाई, आपका रिवर्स बायस में आप ये एज अ वोल्टेज रेगुलेशन यूज कर सकते हैं। फॉरवर्ड में ये नॉर्मल डायोड सा बिहेव करता है, लेकिन रिवर्स में क्या होता है, एज अ वोल्टेज रेगुलेशन यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, आ जाओ भाई 78 पे आ जाओ। जनरली कंस्ट्रक्ट द शिफ्ट रजिस्टर, आपका अगर मुझे शिफ्ट रजिस्टर बनाना है तो मैं किसका प्रयोग करूंगा, तो भैया डी फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग करूंगा, किसका, डी फ्लिप फ्लॉप का। ये सभी क्या होते हैं आपके, कॉम्बिनेशनल होते हैं, ये सभी कैसे हैं आपके, कॉम्बिनेशनल हैं, ये आपका सिक्वेंशियल है। सिक्वेंशियल होता क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं एक बिट को स्टोर कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन, एक फ्लिप फ्लॉप एक ही बिट स्टोर करेगा, चार होंगे तो चार करेगा, पांच है तो पांच करेगा। 79 पे आ जाओ दोस्त, क्या बोल रहे हैं आपसे ये बोल रहे हैं बैटरी दैट कैन नॉट बी रिचार्ज आर प्रोड्यूस फॉर सिंगल यूज्ड, यानी कि आपकी जो बैटरी होती है सिर्फ और सिर्फ उसको एक बार आप चार्ज कर सकते हैं, यानी कि एक ही बार आप उसको यूज कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते, तो आप क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी बैटरी बोल देते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है, जिसको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, सेकेंडरी जो होता है वो रिचार्जेबल बैटरी आपकी होती है। कैसी होती है, रिचार्जेबल बैटरी आपकी होती है। ठीक है, आ जाओ भाई 80 पे आ जाओ। हैज अ सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, पेपर टू थोड़ा सा लग रहा है ना कि अरे ये तो कुछ अलग ही लेवल पे रहता है ना। पेपर टू आपका 76 से स्टार्ट है, 75 पेपर वन था और शिफ्ट टू आपका जो है इससे स्टार्ट हुआ है। सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट क्या होता है भाई, 1×2 की पावर एन आपका मल्टीप्लेक्सर है कि डी मल्टीप्लेक्सर, बताओ भाई आपका मल्टीप्लेक्सर है कि डी मल्टीप्लेक्सर है। बिल्कुल सही कहा आपने, डी मल्टीप्लेक्सर आपका होता है, डिकोडर में मेनी इनपुट मेनी आउटपुट, डी मल्टीप्लेक्सर का ही भाई होता है ये। ठीक है, फुल एडर में कितने होते हैं भैया, 3 बिट यूज होते हैं। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, मेनी इनपुट 1 आउटपुट आपका। ठीक है, इसको डेटा डिस्ट्रीब्यूटर बोल देते हैं, इसको डेटा सिलेक्टर बोल देते हैं आप। ठीक है, कई सारे नाम हैं, 1 to many बोल देते हैं आप इसको। आ जाओ भाई 81 पे आ जाओ। चलिए, हिंदी में ये क्वेश्चन था तो मैंने इसको ऐसे ही कॉपी कर लिया था, और उम्मीद करता हूँ आपको ये जो इंग्लिश वाले विद्यार्थी हैं उनको ये समझ अच्छे से आएगा। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई जब बैटरियों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो क्या होता है, व्हेन यू ऐड बैटरीज इन सीरीज, व्हेन बैटरी आर एडेड इन सीरीज या कनेक्टेड इन सीरीज, देन व्हाट हैपेंड, तो बताओ भाई क्या होगा, आपका वोल्टेज क्या होता है, डबल होता है, लेकिन जो आपका धारिता रेटिंग समान रहती है, यानी कि जो आपका धारिता, आई थिंक ये तो कैपेसिटेंस होता है आपका, धारिता जो होता है बेसिकली, आपका वोल्टेज डबल होता है एक्चुअली देखा जाए तो, ये वोल्टेज आपका रेटिंग जो होता है वो डबल होता है। सीरीज में अगर हम कनेक्ट करते हैं किसी भी बैटरी को तो जस्ट बिकॉज ऑफ कि मुझे वोल्टेज को इंक्रीज करना है। आ जाओ भाई 82 पे आ जाओ, क्या बोल रहे हैं आपसे भाई, कैरी इनपुट जो आपका होता है वो किसमें होता है, आप देखो ध्यान से, यहाँ पे ये A, B और C है, ये आपका फुल एडर है, तो ये सी इन आपका कैरी होता है यहाँ पर। ठीक है, फुल एडर में सी को ही आप सी इन करके यूज कर सकते हैं, इससे आपका जो सर्किट होता है थोड़ा सा छोटा हो जाता है और आप आराम से उसको यूज कर सकते हैं। तो क्या होता है आपका फुल एडर, आपका फुल एडर में आप सी इन एज अ कैरी भी, कैरी इन जैसा यूज कर सकते हैं। आ जाओ भाई 83 पे आ जाओ, A हो गया, B हो गया, C हो गया और आपका D हो गया।
इन मरकरी सेल जिंक मरकरी एमलगम इज यूज एज एन एनोड एंड कार्बन इज यूज एज कैथोड. द पेस्ट ऑफ H2SO4 सांद सल्फ्यूरिक अम्ल आपका होता है ये, कंसंट्रेटेड आपका H2SO4 एसिड होता है आपका, ये आपका प्रयोग किया जाता है आपका. ठीक है, आ जाओ भाई 84 पे आ जाओ. टू क्वाइल वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर आर, आपके दो क्वाइल वाइंडिंग आपकी हैं वो किस प्रकार से आपकी होती है बताओ भाई. दो क्वाइल आपका ट्रांसफार्मर कैसा होता है भाई, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड बट मैग्नेटिकली क्या होते हैं, लिंक होते हैं कुछ इस प्रकार से. देखो आपका ये आपका ट्रांसफार्मर है, ये आपका कुछ इस प्रकार से ये ऐसे, और ये आपका कुछ इस प्रकार से आपका ऐसे. ठीक है, तो ये देखो इलेक्ट्रिकली क्या ये लिंक है क्या आपस में, नहीं, इनमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आपका है. लेकिन ये मैग्नेटिकली क्या है, कपल्ड है, क्योंकि फ्लक्स आपका यहां से पास होता है तो फ्लक्स क्या करता है इन दोनों को जोड़ देता है. और आपका ये काम किस पे करता है भाई, अगेन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल आपका फैराडे का. ठीक है, आ जाओ भाई 85 पे आ जाओ. क्या बोल रहे हैं आपसे ये, ए बी सी और डी आपका. टू मेजर द वोल्टेज करंट इज पास थ्रू, आपका मुझे वोल्टेज अगर मेजर करना है तो करंट पास करना होगा कहां से करना होगा भाई, कहां से करना होगा आपको, करना होगा रजिस्टर से. कहां से दोस्त, रजिस्टर से. V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है ना, तो जब करंट आपका रजिस्टर से पास होगा तभी तो आप बोलोगे, बोलो भाई हाँ या ना. आ जाओ भाई 86 पे आ जाओ, बताओ भाई क्या होगा. When a diode is switched from conducting state to blocking state, यानी कि जो आपका डायोड होता है अगर मैंने उसको कंडक्टिंग से ब्लॉकिंग की तरफ किया, इट हैज स्टोर्ड चार्ज विच नीड्स टू डिस्चार्ज बिफोर इट ब्लॉक रिवर्स करेंट, दिस टाइम इज रिक्वायर्ड टू नोन एच. यानी कि क्या हुआ कि आपने फॉरवर्ड किया फिर आपने रिवर्स किया. आइडली क्या होता है कि जैसे ही आपने फॉरवर्ड किया तो आपका ऑन होगा, रिवर्स किया तो आपका ऑफ हो जाएगा. लेकिन रिवर्स होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि जो चार्ज आपके इधर पी से एन गए हैं तो वो एन से वापस पी आने में उनको टाइम लगता है, उनको क्या लगता है टाइम लगता है मेरे दोस्त. ये नहीं कि तुरंत ही आपके हो जाते हैं, वो तो आइडली होता है, जिसको बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम. क्या बोलते हैं दोस्त आपका, रिवर्स रिकवरी टाइम, यानी कि वो आपका दोबारा क्या होते हैं रीस्टोर होते हैं ताकि आपका रिवर्स बायस कर सकें वो. 87 पे आ जाओ दोस्त, क्या बोल रहे हैं आपसे ये. आइडियल जो आपका रेगुलेटेड पावर सप्लाई आपका होता है वो क्या होता है, जीरो, यानी कि आपको रेगुलेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है. आ जाओ भाई 88 पे आ जाओ, बी सी और आपका डी. एवोल्यूशन ऑफ सेल फोन फ्रॉम 1G to 5G, 1G to 5G समझते हैं आप, यानी कि फर्स्ट जनरेशन टू फिफ्थ जनरेशन. अच्छा उस टाइम पे आ गया था क्या 19 में, हाँ फिर 5G आपका स्टार्टिंग होता. जी क्या होता, अरे एक्चुअली जी पूछ रहे हैं आप, जी क्या होता है, तो जी आपका जनरेशन होता है आपको पता ही है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है ना, नहीं जानता बताओ भाई. क्या इसके लिए आपको अलग से थ्योरी पढ़नी पड़ेगी क्या, बोलो यार. आ जाओ भाई 89 पे आ जाइए, क्या बोल रहे हैं आपसे. डिजिटल मल्टीमीटर, आपका जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है वो क्या मेजर कर सकता है, तो वोल्टेज, आपका वोल्टेज करंट और आपका रेजिस्टेंस. मल्टीमीटर है ना, एवो मीटर भी आप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं एवो मीटर, एवो. तो क्या होता है इसे आपका, अमीटर, वोल्टमीटर, ओम मीटर आपका. आ जाओ भाई 90 पे आ जाओ, क्या बोल रहे हैं आपसे क्वेश्चन में, 90 आ जाओ भाई साहब. द आउटपुट वे फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटर इज अ फंक्शन ऑफ जनरेटर, बताओ भाई आपका जो आउटपुट वे फॉर्म होगा मेरे दोस्त वो क्या होगा बताओ. अच्छा फंक्शन जनरेटर आपका है ना, हाँ भाई, तो साइन वेव कुछ दिया नहीं है ऐसे कैसे, तो ये आपका एक्चुअली फंक्शन समझते हैं आप, यहां पे साइन वेव रहेगा तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, ट्राइंगुलर मिल जाएगा दोस्त. क्या मिलेगा, ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर मिल जाएगा आपको. ठीक है 91 पे आ जाओ भाई, आपका रेटिंग जो होता है ट्रांसफार्मर का क्या होता है आपका, हो जाता है केवीए. क्या बोलते हैं उसको भैया, केवीए बोल देते हैं आप. 92 पे आ जाओ दोस्त, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, आपका डी हो गया. एडर सर्किट कैन बी यूज्ड एज सब्सट्रैक्टर सर्किट बाय यूजिंग, आपका जो एडर सर्किट होता है इसको आप यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट. जब भी बात आएगी सब्सट्रैक्टर की, एडर की, तो टूज कॉम्प्लीमेंट आपका तो फेमस ही है, वही आपका उपयोग होता है, तो वही आपसे ये पूछ जा रहा है. ठीक है चलिए आगे बढ़े, 93 पे आ जाओ दोस्त, क्या बोला है आपने भाई साहब. विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड कैन बी यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर, तो कौन सा भैया, जनरल डायोड. कौन सा होता है आपका, जनरल डायोड, जो कि रिवर्स बायस में होता है. बिल्कुल सही बात है एकदम. आ जाओ भाई 94 पे आ जाओ,
क्या बोल रहे हैं आपसे ये कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक मॉस्फेट डिवाइस टाइप, इनमें से कौन सा बेसिक मॉस्फेट नहीं होता। तो मॉस्फेट आपके होते हैं दो प्रकार के, एक होता है इनहांसमेंट, एक होता है डिप्लीशन। बताओ भाई, हाँ है ना, एक होता है एनहांसमेंट, एक होता है डिप्लीशन। डिप्लीशन में दो होते हैं एन चैनल और पी चैनल आपका, और एनहांसमेंट में दो होते हैं एन चैनल और पी चैनल आपका होता है, ठीक है। तो यहां पे जो नैरो आपका दिया हुआ है पी चैनल आपका, ये नहीं होगा, नैरो पी मॉस्फेट आपका यहां पर नहीं होगा, ठीक है। आ जाओ भाई 95 पे आ जाओ, आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, आपका सी हो गया, आपका डी हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो आप स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए आप उपयोग करते हैं। तो हाइड्रोमीटर आपका, जाहिर सी बात है, मल्टीमीटर करंट करता है, गैलोमीटर आपका करंट वोल्टेज करेगा, थर्मोमीटर आपका टेम्परेचर करता है मेजर आपका, ठीक है। आ जाओ भाई 96 पे आ जाओ, इन एलसीडी टीवी व्हाट इज द फुल फॉर्म एलसीडी। आसान है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एकदम सही बात है। क्या होता भाई आपका, लिक्विड क्रिस्टल आपका डिस्प्ले, एलसीडी एलईडी से ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बेसिक बेसिक से। और क्या ही पूछेंगे इससे आपसे, अगर इससे ज्यादा कुछ पूछा गया तो वैसे भी वो नहीं होने वाला है, जाहिर सी बात है। 97 पे आ जाओ भाई, क्या बोल रहे हैं आपसे भाई। और देखो, जब भी बोलता हूँ नहीं होने वाला, मतलब इसको आप दिल मत लीजिएगा भाई, 100 में 100 का टारगेट थोड़ी रहता है। एक दो क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो दिक्कत देंगे ही देंगे यार, इसको आप समझ जाएंगे जिस दिन, उस दिन आपका सिलेक्शन पक्का है। द डिवाइस इज एबल टू सेंस द लाइट लेवल एंड अल्टर द करंट फ्लोइंग बिटवीन द एमिटर एंड कलेक्टर अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ लाइट इज रिसीव, यानी कि जो आपका लाइट रिसीव हुआ है उस हिसाब से ये क्या करता है, करंट को परिवर्तित कर सकता है। तो वो करंट कौन सा होगा भैया, फोटो ट्रांजिस्टर। मैंने क्या बोला, लाइट शब्द आते ही आपको बस फोटो ढूंढना है ऑप्शन में, जहां फोटो मिला, अगर सभी फोटो हैं तो फिर ढूंढना पड़ेगा अच्छे से, अगर बस एक ही फोटो है तो आपका फोटो लाके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। 98 पे आ जाओ भाई, कैपेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई टू मेंटेन द कॉन्स्टेंट वोल्टेज और करंट एट द आउटपुट डिस्पाइट ऑफ चेंज इन सप्लाई लोड। जो आपका सप्लाई लोड, यानी कि लोड आपका, मान लो ये जनरेटर आपका हो गया, ठीक है, ये आपका इधर रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका इधर से इनपुट हो गया मान लो, ठीक है, ये आपका ऐसे, और आपका ये लोड हो गया। अब लोड आप चेंज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका ये क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंट रख रहा है, तो क्या बोलते हैं इसको, लोड रेगुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोड रेगुलेशन। अगर आपका इनपुट में आप चेंज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं लाइन रेगुलेशन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, लाइन रेगुलेशन हम बोल देते हैं। क्या इस बात से आप एग्री करते हैं, तो बताओ भाई, बोलो यार, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 99 पे आते हैं दोस्त। द आईआर एलईडी, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और आपका डी हो गया। आई आर एलईडी सेंड्स आउट लाइट विद वेवलेंथ, आपका जो आई आर इंफ्रारेड आपका जो एलईडी होता है वो लाइट को सेंड करता है। बताओ भाई कैसे करेगा दोस्त, आपका लॉन्गर देन विजिबल लाइट, आपका इंफ्रारेड होता है ना, एक होता है अल्ट्रावायलेट, एक होता है आपका इंफ्रारेड, इंफ्रारेड समझ रहे हैं आप, तो विजिबल लाइट से आपकी वेवलेंथ क्या होगी, लॉन्गर होगी। आ जाओ भैया 100 हो गया, सेंचुरी मारती हमने, 50 और मारना है, फटाफट मार देते हैं 50 50, फिर उसके बाद जय हिंद जय भारत। हाँ, बाकी आप लोग एकदम अच्छे से रखिए, नॉन टेक को बहुत अच्छे से पकड़ लीजिएगा एएलपी के लिए, बाकी जो नई वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि एग्जाम देखिए लगातार बैक टू बैक सब हो रहे हैं एक साथ, सभी दिसंबर जनवरी सब निपटा दिया उन्होंने, ताकि अनाउंस कर दें फरवरी, मार्च में चुनाव का है तो फरवरी तक मैं अनाउंस कर दिया तो आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा फिर, ठीक है, तो आपकी तैयारी भरपूर रहेगी, तो इसलिए तैयारी रखिए मेंटेन। वैकेंसी तो आपके आने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप भी समझदार हो, इसमें बताने की जरूरत है ही नहीं है। और मैंने इसलिए कहा था ना आपसे कि अभी 2-3 साल से आप चिल्ला रहे थे कि वैकेंसी 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 में आएगी तभी तो चुनाव आएगा, ऐसा नहीं आने वाला भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो इज द नॉट एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन नहीं है आपके शिफ्ट रजिस्टर का। तो सीरियल टू पैरेलल भी होता है, पैरेलल टू सीरियल भी होता है, डेटा को ये स्टोर भी करता है, लेकिन ये एनालॉग से डिजिटल में चेंज नहीं करता है। ये कौन करता है भाई, आपका क्वांटाइजेशन और आपका सैम्पलिंग होती है वो करता है दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, आइए आगे बढ़ते हैं, 101 पे आते हैं भाई साहब। क्या बोल रहे हैं, सोलर पैनल, देखिए नाम आ गया ना, सोलर पैनल, सोलर लाइट वाइट कुछ भी आया आपको तो पकड़ना है नीचे। कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बताओ भाई क्या होगा, एकदम सही जवाब, क्या होगा भाई, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट, नाम आते ही तुरंत फोटोवोल्टाइक इफेक्ट आपका। 102 पे आते हैं, क्या बोल रहे हैं आपसे भाई कि आपका जो LVDT होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या बोलते हैं भैया इसको आप, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, क्या बोलते हैं, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है दोस्त।
आ जाओ भाई 103 पे आ जाओ। आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, आपका डी हो गया। लेड एसिड बैटरी कंसिस्ट ऑफ फ्लैट लेड प्लेट्स इमर्ज्ड इन पूल ऑफ। जो आपका लेड एसिड बैटरी होता है आपका ये सेकेंडरी होता है, यानी कि इसमें आपका ये रिचार्जेबल भी होता है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट आप यहां पे यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। गॉट इट। चलो भाई 104 पे आ जाओ। क्या बोल रहे हैं आपसे भाई, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सिस्टम दैट सोर्स डिटेक्ट कंट्रोल लाइट। आपका बताओ भाई कहां होगा आपका ये ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आपका ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक समझते हैं आप क्या होता है, यानी कि जो लाइट पर आधारित आपके डिवाइस होते हैं, जो आपकी सनलाइट होती है उस पर बेस्ड जो आपके डिवाइस होते हैं उसको बोलते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आपके जितने भी फोटो होते हैं ना सब इसी पे आते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई 105 पे आ जाओ। क्या बोल रहे हैं आपसे ये कि भाई व्हेन कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा। भाई अगर आपका कैपेसिटेंस दिया हुआ है पैरेलल में तो टोटल क्या होगा दोस्तों आपका, जाहिर सी बात है कि आपका वो सम हो जाता है। बोलो भाई हाँ या ना। सीधे सीधे आप ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं सीधे सीधे आप ऐड कर देते हैं सी सम आपका। ठीक है 106 पे आ जाओ भाई। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, आपका डी हो गया। 106 अ डिवाइस दैट एमिट लाइट थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिकल एम्पलीफिकेशन बेस्ड ऑन द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो पेपर आपका है ना जेई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आरआरबी जेई वाले भी है ना उनके में सभी टॉपिक हैं, तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए है। इसको आप बना लेंगे तो 150 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे, और इससे भी क्वेश्चन बनते हैं आप में भी, ऐसा नहीं बनेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। तो क्या होगा दोस्तों यहां से आपका ये किसमें होगा आपका, बताओ यार किसमें होगा आपका ये बोलो यार। लेजर, एकदम सही बोला आपने। लाइट आपका होता है ना एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड आपका एमिशन रेडिएशन आपका जो ये बोला गया ना ये आपका उसका फुल फॉर्म है लेजर का आपका। ठीक है आ जाओ भाई 107 पे आ जाओ। अब देखो यहां पे क्वेश्चन आपके डिजिटल के भी थे, यहां पे क्वेश्चन आपके एनालॉग से भी थे, यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए, लेकिन आपके दिमाग में क्या घूम रहा होगा बार बार एलईडी और यही सब आपका। क्यों? क्योंकि जो टॉपिक हमको बहुत कम आता है ना, जैसे कि कम मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आपको आता ही नहीं है, आता है, लेकिन जो हम जल्दी यूज टू नहीं रहते हैं तो वो हमको याद रहता है, और जो हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, बचपन से पढ़ रहे आप यानी कि डिजिटल एनालॉग बचपन सब पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट को अगर ये नहीं आता तो फिर तो खत्म ही मामला है, तो वो आपको बाय डिफॉल्ट आता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अब जो 5-6 साल से पढ़ाई छोड़ चुका है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं मैं उनकी बात करता हूं, जिनको नहीं आ रहा है तो इसलिए आप इसको दिल मत लीजिएगा कि सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि हमको नहीं आता तो हम क्या, ऐसा नहीं है, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि आपकी मजबूरी है। आप लोग भाई जॉब पा गए, जॉब कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो भाई जाहिर सी बात है कि ये बड़ी बात है कि आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहां तो जो 24 घंटे सिर्फ तैयारी ही कर रहा है वो नहीं पढ़ पा रहा है, आप तो जॉब भी कर रहे हैं, फैमिली संभाल रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसका फायदा होगा, नुकसान मत होगा आपका, क्योंकि ओपन वैकेंसी जब आएगी तो आपका यही सिलेबस रहने वाला है, तो इसलिए तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, विच डिवाइस कैन रीड द फिजिकल क्वांटिटी एंड कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। बताओ भाई कौन सा है आपका, वो होता है सेंसर्स, यानी सेंसर क्या होता है आपका, ये इलेक्ट्रिक फिजिकल को करता है इलेक्ट्रिकल में परिवर्तित। आ जाओ भाई 108 पे आ जाओ। ठीक है बताओ भाई क्या होगा आंसर आपका यहां से, बताओ भाई। टेम्परेचर सेंसर विच नॉट यूज टू प्रोसेस इंडस्ट्री, यानी कि इनमें से कौन सा आपका ऐसा सेंसर है जो यूज नहीं होगा। आरटीडी क्या होता है भैया आपका, रजिस्टेंस टेम्परेचर आपका होता है डिवाइस आपका। ठीक है, और आपका जो थर्मिस्टर होता है क्या होता है आपका, ये भी आपका टेम्परेचर आपका डिवाइस होता है, थर्मिस्टर जो होता है आपका। फिर आपका दिया हुआ है थर्मोकपल, ये भी आपका टेम्परेचर से संबंधित आपका डिवाइस है, ये सब एक्टिव ट्रांसड्यूसर आपके हैं। पीजोइलेक्ट्रिक क्या होता है आपका भाई, ये आपका प्रेशर से संबंधित आपका है, यानी फिजिकल जो देते हैं आप तो इलेक्ट्रिकल में परिवर्तित करता है। ठीक है आ जाओ भाई 109 पे आ जाओ। ए बी सी एंड डी 16:1 आपको क्या करना है, डिजाइन करना है, तो कितनी सेलेक्ट लाइन लेनी पड़ेंगी, तो 2n×1 आपका होता है ना, तो 2n आपका 16 है, तो 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा 4, तो n इक्वल टू आ जाएगा 4 आपका, तो आंसर क्या आपका है यहाँ से 4 है मेरे दोस्त, क्या है 4। 110 पे आ जाओ भाई। विच इंस्ट्रूमेंट यूज द मेजर ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट रिलेटेड टू अर्थ, इनमें से कौन सा आपका अर्थ के रिलेटिव में यूज होता है, तो मेगर का उपयोग करते हैं आप दोस्त, किसा करते हैं मेगर का प्रयोग करते हैं, किसके लिए, जो इलेक्ट्रिकल आपका जो है रजिस्टिविटी है उसको सेंस करने के लिए। आ जाओ भाई 111 पे आ जाओ।
रेस अराउंड कंडीशन अवॉइडेड, आपका जो रेस अराउंड कंडीशन होता है कहाँ होता है दोस्तों आपका, ये होता है जेके फ्लिप फ्लॉप में। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में जो रेस अराउंड कंडीशन होती है उसको कौन दूर करता है, मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, कौन करता है दोस्तों आपका, मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप करता है। क्या इस बात से आप ये करते हैं दोस्त, बिल्कुल सही बात है। 112 पे आ जाओ भाई, बोल रहे हैं आपसे भाई कि टॉगल मोड में कौन सा होता है टॉगल कंडीशन आपका, तो जेके में होता है ना दोस्त आपका, जेके में ही जब वन देते हैं आप जे और के को तो वहां पे टॉगलिंग होती है। टॉगलिंग क्या होता है, मतलब 1010 वो ऑटोमेटिक 101010 होता रहता है। एसआर में वन देने पर क्या होता है, वो इनवैलिड प्रोवाइड कर देता है। 113 पे आ जाओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड व्हेन द वोल्टेज इंक्रीज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट डिक्रीज, यानी कि अगर मैं वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा तो करंट आपका डिक्रीज होगा, इनमें से कौन सा डायोड है, तो आपका होता है टनल डायोड। अब ये कैसे हुआ दोस्त, देखो ध्यान से, ये निगेटिव रेजिस्टेंस है, निगेटिव रेजिस्टेंस समझ रहे हैं आप, यानी कि अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, करंट आपका यहां पर डिक्रीज होगा, तभी तो निगेटिव रेजिस्टेंस आपका है, नहीं तो क्या होता, पॉजिटिव हो जाता। क्लियर है दोस्त, बताओ भाई हाँ है ना। आ जाओ भाई 114 पे आ जाओ, जनरली क्या होता है, वायरिंग अ सोलर कंट्रोलर टू अ बैटरी स्टोरेज स्टेशन इज डन यूजिंग, आपका जो क्या बोलेंगे इसको भैया, बैटरी बताया भाई क्या होगा, तो हो जाएगा आपका AWG आपका, ठीक है। आ जाओ भाई 115 पे आ जाओ, क्या बोल रहे हैं भैया, अगर आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो इंपेडेंस क्या होगा कि इंडक्टर का, तो जाहिर सी बात है एक्सएल क्या होता है भाई आपका, ओमेगा एल होता है, तो एक्सएल क्या होगा भैया यहां से 2πfL होगा। अब आप खुद सोचो कि आपका एफ बढ़ेगा तो आपका एक्सएल क्या होगा, बढ़ेगा ना दोस्त, तो क्या होगा दोस्त आपका, इंक्रीज होगा, बोलो भाई हाँ है ना, क्या होगा ये, इंक्रीज होगा। चलिए आगे बढ़े, आ जाओ भाई 116 पे आ जाओ, वॉट इज द पीक रिवर्स वोल्टेज ऑफ डायोड, आपका ए हो गया, आपका बी हो गया, ये सी हो गया, आपका डी हो गया, ठीक है। जो पीक रिवर्स वोल्टेज आपका होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज डायोड कैन विदस्टैंड इन फॉरवर्ड बायस, ना ना, नाम ही जब इनवर्स है तो रिवर्स बायस में जो भी आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उसको वो बर्दाश्त कर सकता है उसको आप बोल देते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, बताओ भाई हाँ है ना, तो ये रिवर्स में जब होता है तो आपका, ठीक है, बताओ भाई क्या बात कह रहे क्या। आ जाओ भाई 117 पे आ जाओ, क्या बोल रहे हैं आपसे ये कि भाई विच नॉट रिलेटेड टू काउंटर सर्किट डिजाइन, इनमें से काउंटर सर्किट डिजाइन से कौन नहीं रिलेटेड आपका, तो एरलैंग्स टेबल आपका भाई, केमैप हो गया, एक्साइटेशन टेबल हो गया, स्टेट टेबल हो गया, ये सभी क्या होते हैं आपके, लिंक होते हैं आपके, काउंटर डिजाइन में काम आते हैं ये आपके, ठीक है। आ जाओ भाई 118 पे आ जाओ, 118 पे आ जाइए, आईसी नंबर आप याद रखिएगा, ठीक है, आईसी नंबर आपसे पूछ सकते हैं, तो इसलिए आईसी 723 आपका अगर दिया हुआ है तो रेफरेंस वोल्टेज कितना हो भाई आपका, आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त आपका, 7 हो जाएगा। क्लियर है दोस्त, आ जाओ भाई 119 पे आ जाओ, जनरेशन ऑफ लाइट एलईडी इज बेस्ड ऑन, आपका जो एलईडी होता है वो किस पे बेस्ड होता है, बताओ भाई, एकदम सही बात है, किस पे होता है भाई आपका, स्पॉन्टेनियस, यानी कि ये अपने आप जनरेट होती है, यानी कि जब आप अपने आप, मतलब समझ रहे हैं, ये नहीं कि अपने आप ही होने लगा, आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसके बाद ये होता है, तो स्पॉन्टेनियस एमिशन आपका होता है, और आपका जो लेजर होता है वो होता है स्टिमुलेटेड आपका होता है, ठीक है। आ जाओ भाई 11120 पे आ जाओ, 120, अ टेबल विच विद हेल्प अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ लॉजिक गेट इज नोन एज, अरे यार बताओ क्या होगा, ये ट्रुथ टेबल नहीं होगा, क्या होगा भाई आपका, ट्रुथ टेबल हो जाएगा। आ जाओ भाई 121 पे आ जाओ, क्या बोल रहे हैं, लेड स्टोरेज बैटरी कंसिस्ट ऑफ लेड एनोड, दिस वन इट इज यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक, आपका इलेक्ट्रोलाइट जैसा कौन यूज करते हैं बताओ भाई, आपका सल्फ्यूरिक एसिड है आपका, क्या होता है H2SO4, इससे पहले वाले में उन्होंने क्या दे दिया था, सीधे फॉर्मूला दे दिया था, इस बार उन्होंने क्या दे दिया आपको, नाम दे दिया सल्फ्यूरिक एसिड आपका, H2SO4 आपका, ठीक है। चलो भाई 122 पे आ जाओ,
क्या बोल रहे हैं आपसे, डिफाइन एज द साइकिल पर सेकेंड। साइकिल पर सेकेंड आपका कौन डिफाइन होता है, बोलो भाई, आपका फ्रीक्वेंसी। साइकिल पर सेकेंड, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी आप बोल देते हैं साइकिल पर सेकेंड। क्या ये बात क्लियर है? आरएमएस क्या होता है, वीएम बाई रूट टू होता है। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, जिस समय पर आपका जो वोल्टेज उसकी बात चल रही है, ठीक है। 123 पे आ जाइए। ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो, आपका जो ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो आपका होता है वो बताओ भाई क्या होगा। ट्रांसफार्मर जो टर्न रेशियो होता है वो क्या होता है, द रेशियो ऑफ प्राइमरी टर्न टू सेकेंडरी टर्न आपका, यानी कि एन वन अपॉन में एन टू आपका, रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी आपका। 124 आ जाओ भाई, क्या बोल रहे हैं आपसे कि भैया इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, तो इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है भाई आपका दोस्त, नेगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है आपका। 125 पे आ जाइए भाई, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और आपका डी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंडक्टर, इनमें से कौन सा इंडक्टर का टाइप नहीं होता है, बोलो भाई, इनमें से कौन सा इंडक्टर का टाइप नहीं होता। तो कार्बन कोर आपका जो है वो इंडक्टर का टाइप नहीं होता है। कार्बन कोर में समझ रहे हैं आप, कार्बन से कैसे बनेगा भाई। 126 पे आ जाइए दोस्त, क्या बोल रहे हैं आपसे ये कि भाई ऑप्टो कपलर प्रोवाइड, आपका जो ऑप्टो कपलर होता है वो प्रोवाइड करता है, बताओ भाई क्या प्रोवाइड करता है आपका, बिटवीन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल और एलिमेंट ऑफ दिस वन, तो बताओ भाई क्या करता है ऑप्टो कपलर आपका। बिल्कुल सही, आपका आइसोलेशन, कपलिंग करता है। मीन्स क्या होता है कि दो सिग्नल अगर हैं आपके तो उसको अलग अलग ये आइसोलेट कर सकता है बहुत आराम से, तो इसको बोलते हैं ऑप्टो कपलर आपका, ठीक है। आ जाओ भाई 127 पे आ जाओ, क्या बोल रहे हैं आपसे ये, हाउ मेनी टर्मिनल हैज 7805। आईसी का थोड़ा सा आप एक बार आइडिया ले लीजिएगा, ठीक है। 7400 कौन सा होता है, बेसिक जो आपके होते हैं ना वो, तो तीन आपके क्या होते हैं इसमें, तीन टर्मिनल आपके होते हैं 7805 में आपका। 128 पे आ जाओ भाई, क्या बोल रहे हैं आपसे भाई कि ओमिक लॉस आपका कौन सा होता है, ओमिक लॉस कौन सा लॉस होगा आपका भाई, करंट पासिंग थ्रू द वाइंडिंग। बिल्कुल सही, अभी आपने देखा था ना वेरिएबल लॉस, कांस्टेंट लॉस क्या होता है, तो ये आपका वेरिएबल लॉस के अंदर ही आता है। तो यहां पे आप वाइंडिंग के थ्रू करंट पास करते हैं आपका ना, उसी वजह से होता है आपका ये। 129 पे आ जाओ, बताओ भाई क्या होगा, विच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन सर्किट यूज टू कन्वर्ट मल्टीपल इनपुट टू सिंगल आउटपुट। मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट आपका क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर होता है, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको भैया, मल्टीप्लेक्सर बोल देते हैं आप। चलिए आगे बढ़े, आइए आगे बढ़ते हैं। 130 पे आते हैं, क्या बोल रहे हैं आपसे ये कि भैया बेसिक 4 बिट एडर आईसी आपका जो होता है वो क्या होता है, बेसिक 4 एडर आपका जो होता है वो हो जाएगा आपका भैया 7483। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप लोग, 4 बिट एडर आपका, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा क्लैरिटी रहे। 4 बिट एडर आपका जो होता है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप लोग, बताओ इस सेंस से क्या होगा। सेवन फोर एट आपका, ठीक है, गुड। आ जाओ भाई 131 पे आ जाओ भाई, ये कंपरेटर आपका जो 4 बिट होता है उसका नंबर क्या होगा, बताओ भाई, जो आपका कंपरेटर होता है उसका नंबर क्या होगा, तो आपको जाएगा 7485। तो ये जो नाम इस टाइप का आप देख रहे हैं ना, तो इसी नाम के ही आपका 74 सीरीज जो भी आपकी आईसी होती हैं तो उनको आप याद रखिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगी। तो क्वेश्चन आपका भाई जब आ ही रहा है तो देख लोगे तो आपका नंबर मिल जाएगा, कोई गुनाह है क्या, बताओ भाई, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसको देख लेंगे तो सही रहेगा। आ जाओ भाई 132 पे आ जाओ, इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ क्वाइल ड्यू टू विच अपोजेज द चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी कि आपका अपोज करता है जिसके कारण, कहते हैं कि जिस कारण से वो फ्लो होता है उसी का वो अपोज करता है, जिस कारण से वो उत्पन्न होता है उसी का ये अपोज करता है, लेंज लॉ, लेंज साहब का लॉ है ये। और ये होता है सेल्फ इंडक्टेंस, क्या होता है जो साहब का सेल्फ इंडक्टेंस। आ जाओ भाई 133 पे आ जाओ, व्हाट टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज यूज इन काउंटर, यानी काउंटर में आप कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं,
तो फुल एडर एस आर टी या कौन सा? तो भैया टी आप यूज करते हैं, टॉगल। तो ये काउंटर में स्टेट का चेंज होना बहुत जरूरी है, स्टेट का जो आपका स्टेट है उसका परिवर्तित होना बहुत जरूरी है, परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। तो क्या हो जाएगा आपका टी फ्लिप फ्लॉप आपका हो जाएगा, टॉगल जिसको बोलते हैं आप। ठीक है, 134 पे आ जाओ भाई। क्या बोल रहे हैं आपसे, ये बीसीडी टू सेवन सेगमेंट डिस्प्ले आपका डिकोडर जो होता है, बताओ भाई क्या होगा उसका आईसी नंबर, बीसीडी टू सेवन डिस्प्ले आपका, तो 7447 आपका फैक्चुअल बेस्ड डेटा आपका है ये, फैक्चुअल आपको याद रखना पड़ेगा इसको, ताकि आप इस अच्छे से याद रखिएगा। 135 बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी और आपका डी। हाउ मेनी 16 बिट रजिस्टर आर देयर इन 8051? कितने होते हैं भैया? सिर्फ दो होते हैं 16 बिट आपके रजिस्टर, कितने होते भैया? दो होते हैं आपके। आ जाओ भाई 136 पे आ जाओ। क्या बोल रहे हैं आपसे भाई, मल्टी वाइब्रेटर्स जो होते हैं वो किस टाइप का सिग्नल ये प्रोड्यूस करते हैं, मल्टी वाइब्रेटर्स आपके? तो ये होते हैं स्क्वायर वेव, यानी कि ये स्क्वायर वेव आपका सिग्नल क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। बोलो भाई हाँ या ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, 137 पे आते हैं। क्या बोल रहे हैं आपसे भाई कि आइसोलेशन जो आपका होता है ट्रांसफार्मर का ब्लॉक ट्रांसमिशन ऑफ द बिलो मेंशन कंपोनेंट वन सर्किट टू अदर, यानी आपका जो आइसोलेशन होता है ट्रांसफार्मर है वो किसका होता है बेसिकली, वो होता है डीसी कंपोनेंट का। क्योंकि जो आपका ट्रांसफार्मर है उसमें जो वाइंडिंग होती है वो कैसा बिहेव करता है, एज अ इंडक्टर, और आपका जो इंडक्टर होता है वो डीसी को, मतलब कि डीसी जो आपका होता है इंडक्टर आपका तो पास करता है, लेकिन यहाँ पे जो आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फ्लक्स में चेंज होना जरूरी है। अगर फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो आपका वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होगा। तो अभी तक आपने देखा जो पार्ट टू आपका है, जो आपका शिफ्ट टू था, उसमें एसएमपीएस क्वेश्चन मिले आपको, क्या आपने ध्यान दिया नहीं ना? तो ये थोड़ा वेरिएशन आपका है पेपर का, उसमें कुछ और इसमें थोड़ा कुछ और था, ताकि आपको एक प्रॉपर बैलेंस रहे पेपर सबके लिए, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। आउटपुट डिपेंड ओनली ऑन द प्रेजेंट आपका, अगर प्रेजेंट पे करता है तो कॉम्बिनेशनल, अगर पास्ट पे करता है तो सिक्वेंशियल, और सिक्वेंशियल में क्या होता है आपका फ्लिप फ्लॉप होता है, काउंटर होता है, रजिस्टर ये सब होते हैं आपके। ठीक है, 139 पे आ जाओ भाई। क्या बोल रहे हैं आपसे, आदर्श आपका अर्ध, मतलब कि आपका हाफ वेव रेक्टिफायर आपका दिया हुआ है, नो लोड आउटपुट वोल्टेज आपका बोल रहे हैं भाई साहब, हाफ वेव आपका रेक्टिफायर है। ठीक है, तो बताओ भाई क्या होगा, हाफ वेव में क्या होता है, वी आरएमएस क्या होता है, वी पीक अपॉन में टू होता है ना, वी आरएमएस क्या होता है आपका, वी पीक अपॉन में हो जाता है टू, वी आरएमएस क्या होता है, वी पीक हो जाता है अपॉन में टू हो जाता है, कोई दिक्कत? आ जाओ भाई 140 पे आ जाओ, 140 पे आ जाइए। डिफाइन ई वेस्ट, आपका जो ई वेस्ट होता है वो क्या होता है बताओ भाई, जो आपका ई वेस्ट होता है वो क्या होता है बताइए। तो जाहिर सी बात है जो आपका ई वेस्ट होता है वो आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आप बोल देते हैं। क्लियर है दोस्त? आ जाओ भाई 141 पे आ जाओ। एस एम डी आपका जो होता है वो किसके लिए होता है बताओ भाई, एस एम डी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सरफेस माउंट डिवाइस आपका क्या होता है भाई, आपका सरफेस माउंट डिवाइस आपका होता है एस एम डी, सरफेस माउंट डिवाइस। क्लियर दोस्त? आ जाओ भाई 142 पे आ जाओ। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, आपका डी हो गया। आपका रैम बोला गया है 8051 में, आपका रैम का साइज कितना होता है 8051 में, तो 128 बाइट आपका, यही क्वेश्चन आपका पूछा था बेसिक सा। 143 पे आ जाओ भाई। ड्राई सेल आपका जो होता है वो क्या होता है बताओ भाई, ड्राई सेल आपका जो होता है वो होता है आपका सॉल्ट वाटर बैटरी आपकी जो होती है उसको बोलते हैं ड्राई सेल आपका। 144 पे आ जाओ भाई। गला सुखा था भाई साहब बोलते बोलते। आईसी 555 टाइमर आपका है, आपसे पूछा ड्यूटी साइकिल क्या होगा, तो भैया ड्यूटी साइकिल क्या होती है आपका, टी ऑन अपॉन में टी ऑन प्लस आपका टी ऑफ होता है, प्लस दोस्त ब्रदर, ठीक है, टी ऑन अपॉन क्या होता है, टी ऑन प्लस आपका टी ऑफ होता है। ये दोस्त आ जाओ भाई 145 पे आ जाइए भाई। आपका जो आरसी टाइम कॉन्स्टेंट होता है, आपका जो आरसी टाइम कॉन्स्टेंट होता है उसको आप क्या बोल देते हैं, तो उसको आप बोलते हैं टाऊ। अल्फा बीटा गामा क्या होता है, ये करंट गेन होते हैं,
क्या होते हैं दोस्त आपके, ये सभी करंट गेन होते हैं। बीटा क्या होता है आपका कॉमन एमिटर है, अल्फा क्या है कॉमन बेस है, गामा क्या है कॉमन गटर आपका होता है। हाईएस्ट होता है गामा आपका, ठीक है 146 पे आ जाओ दोस्त। आइडेंटिफाई द सर्किट विच इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ ओपैम, यानी कि आपको आइडेंटिफाई करना है सर्किट को जो आपका ओपैम का एप्लीकेशन नहीं होता है। तो ओपैम का जो एप्लीकेशन नहीं होता है वो कौन सा होता है भैया, मिक्सर नहीं होता है, बाकी आपका डिफरेंशिएटर इंटीग्रेटर आपका और आपका कंपैरेटर ये जो आपका होता है ये होता है। बात समझ नहीं है, ये आपका होता है बाकी आपका इसमें नहीं होगा आपका। 147 पे आ रहा दोस्त, क्या बोलते हैं आपसे भाई, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया। 147 द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड अक्रॉस अ लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर टू मेंटेन द रेगुलेशन इज नोन एज, बताओ भाई क्या होगा आपका, होता है ड्रॉप आउट वोल्टेज बोलते हैं इसको आप भाई, क्या बोलते हैं ड्रॉप आउट। आ जाओ भाई 148 पे आ जाओ, कौन सा एसएमडी का एग्जांपल नहीं है, एसएमडी सरफेस माउंटेड आपका जो होता है ना, सरफेस जो माउंट होता है उसको बोलते हैं आप, तो डायोड आपका जो है ये आपका इसका एग्जाम्पल नहीं है मेरे दोस्त, डायोड जो है इसका एग्जाम्पल नहीं है। बढ़ते आगे भाई 149 पे आ जाइए भाई, एलईडी आपका जो होता है ये कौन सा जंक्शन होता है, तो जाहिर सी बात है आपका कौन सा होता है भैया, पीएन होता है कि एनपी होता है बताओ भाई, पीएन होता है कि एनपी होता है बताओ, आपका पीएन होता है, एनपी नहीं होता, पीएन जंक्शन। 150 पे आ जाइए दोस्त, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, तो 150 क्वेश्चन आपको ये प्रॉपर एनालाइज करने हैं और आपको बस कहा मैंने बस क्वालिफाई, बाकी आपका नॉन टेक वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग करिए और जब नई वैकेंसी आएगी उसके लिए पढ़ा बिल्कुल मत होइए धुआंधार। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो बिल्कुल टेंशन लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक का पूरा जिम्मा मेरा है जो मैंने आपसे कहा है, ठीक है। और रेलवे के लिए स्पेशली आप टेंशन मत लो, यूट्यूब पे और आपका जो पेड है वो तो चलता ही चलेगा, बाकी यूट्यूब पे भी आपका बहुत अच्छे से प्लान करेंगे ताकि सभी जो भाई हमारे हैं जो काफ़ी दिन से वेट कर रहे हैं इस वैकेंसी का, उनको प्रॉपर सपोर्ट मिल सके हर एक जगह से, ठीक है। तो निश्चित रहिए उसके लिए, आइए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर इस सेशन को एंड करते हैं, और कोई भी दिक्कत है कोई समस्या बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 3:8 आपका लाइन डिकोडर आपका दिया हुआ है, 3:8 आपका लाइन डिकोडर दिया हुआ है, आउटपुट बिट एक्टिवेटेड डिपेंडिंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर आपका, तो भैया 3:8 आपका दिया हुआ है बताओ भाई क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो इनपुट वैल्यू है क्या होगा, 0 से 7 आपका क्या होगा ये वैरी करेगा, कितना होगा भैया 0 से 7 ये क्या करेगा वैरी करेगा, ठीक है कोई दिक्कत। चलिए बहुत बढ़िया, तो जितने लोग भी नए लोग हैं जो मुझसे पहली बार मुखाताबी हो रहे हैं, मतलब मुझसे पहले मिल रहे हैं, तो आई एम रत्नेश कुमार पांडे, ठीक है। YouTube पे आप मुझे देख रहे हैं तो YouTube पे आपका स्वागत है, आपकी जो ये फैमिली है रत्नेश क्यूटेक नाम से जो आपका ये चैनल है ये आपका ही चैनल है, और अगेन RRB के लिए मैं बहुत बेहतरीन प्लान कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपके जो भी आपके सपने हैं उसको मैं पूरा करने में कुछ मेरा भी हाथ हो, मैं ऐसी कामना करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही जो लोग भी जा रहे हैं ALP के एग्जाम देने के लिए, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आप एग्जाम दीजिएगा, और ये जो पढ़ाई आप कर रहे हैं ये वेस्ट नहीं होगा, खासकर जो डिपार्टमेंटल तैयारी कर रहे हैं निश्चिंत रहिए आपका एग्जाम जो अब ऐसे ही होने वाला है तो आपकी पढ़ाई यहाँ पर वेस्ट नहीं होगी, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करिए आप, कहीं कोई दिक्कत आपको आती है कहीं कोई समस्या आती है ये नंबर दिया हुआ है, आप आराम से, मैंने फिर से बोला है आपकी जो कोई जेन्युइन क्वेरी होगी तो ही आप मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे आराम से, ठीक है, तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। बाकी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, ये क्यूटेक रमेश पांडे आपका ये ऐप है और यहाँ पे जो भी रहेगा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बाकी आपको पता ही है। और ये चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ आपको PDF मिल जाएगी, जो ऐप में देख रहे हैं तो ऐप में तो आपको PDF मिली